फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मैंने क्या बोला था कल, क्या होता है? ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर। अगर कोई एक पुरानी तरह से सिस्टम चल रहा है और मैं कल को आके बोल लूँ कि नहीं आज से ये नहीं होगा, आज से ये होगा, एंड इफ इट इज़ रेलेवेंट, इफ इट इज़ लीगल, तो वो पॉसिबल हो जाती है चीज़, तो देन इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब अगर हम किसी भी रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको वजह से होगा? सबसे जो मेजर फैक्टर होगा, अगर कुछ भी चेंज आता है तो क्यों आता है वर्ल्ड में? नीड। कौन सी नीड? बेसिक। अच्छा, मैं क्या पैसा। सो सबसे अगर इकोनॉमिक आपकी नीड है, अगर आपको कुछ फायदा दिख रहा है, और फायदा क्या है आज के टाइम में, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फायदा क्या, मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ पैसा। तो अगर एक यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन करने से, इतना पूरा देश हिलाने से मेरे को क्या फ़ायदा रहा? अगर मेरे को सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल फ़ायदा हो रहा है तो शायद ही हो, ठीक है। उससे पहले भी नो डाउट लोग परेशान थे, दुखी थे, बट एकदम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही क्यों इतनी बड़ी दिक्कत आ गई? या फिर फ्रांस ने जो अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी आर्मी भेजी, उसके बाद ही क्यों दिक्कत हुई? उससे पहले क्या लोग खुश थे क्या? तो इतनी छोटी सी बात पर उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, ऐसी बात नहीं है। उससे पहले भी दुखी थे, बट अब क्या हुआ? अब उनकी बैंक अकाउंट पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले होता है इकोनॉमिक रीज़न किसी भी चीज़ का। सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ढूंढ लो ना, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ढूंढ लिया, उससे आपको मिल जाएगा पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ चल किस कौन कौन चला कौन रहा है? जिसके पास दो पैसे होंगे वही पॉलिटिक्स की बात करेगा। अब जिसने तो अपने सुबह जाके शाम को घर आना और खाने से मतलब है कि मेरा मेरे परिवार का पेट भर रहा है, रोटी कपड़ा मकान है मेरे पास, वो कभी नहीं पॉलिटिक्स की बात करेगा। पॉलिटिक्स की बात कौन करेगा? जो सुबह 11 बजे ऑफिस जा रहा है और 3-4 बजे वापस घर आ रहा है और 5 बजे फिर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पॉलिटिक्स की बात तो वही करेगा। अब मजदूर है, कोई और पीजेंट है जिसे सुबह जाता है और रात को आता है, उसको मेरे को बस आके खाना मिल जाए, बस दैट्स इट। तो फिर ये एक प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही करेगा पॉलिटिक्स तो, ठीक है। पॉलिटिकल अगर सिस्टम हिलता है तो पॉलिटिकल सिस्टम का हिलने से क्या हिल जाता है? हमारा सोशल। अगर एक पॉलिटिक्स मतलब एक इन्फ्लुएंशियल सेक्टर ऑफ सोसाइटी अगर कोई बात कर रही है तो उससे क्या वो बेसिकली चेंज करना चाहते हैं एक सोसाइटी को, यानी कि सोशल लेवल पे एक चेंज लेके आना चाहते हैं। सोशल लेवल पे अगर चेंज आ रहा है, दैट मीन्स इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, अब थोड़ी सी आग लग रही है, और जहाँ पर भी आग लग रही होगी वहाँ पे प्रचारक बड़े होंगे, समझाने वाले बड़े होंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल बड़ा, इंटेलेक्चुअल जो है इंटेलेक्चुअल थॉट जो है वो बहुत होगा। वहाँ पे कोई आके बोलेगा नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसे बात है, वो बोलेगा मेरी फिलॉसफी सुन, वो में तो इंटेलेक्चुअल लोग बड़े ज़्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे। आजकल भी हम देखते हैं फेसबुक पे या फिर डिबेट्स में, हर एक को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो मेरी फिलॉसफी है वो सही है, इंटेलेक्चुअल आ गया। और रेवोल्यूशन होने के लिए एक होएगा इमीडिएट रीज़न कि सब कुछ हो रहा है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी आग लग रही है, धुआं सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस आग कैसे लगेगी एक इमीडिएट एक्शन पे। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को हमने इन्हीं टर्म्स में पढ़ देना और उसके बाद बाकी ये सारी बीच में स्टोरी, क्या हुआ, कौन राजा आया, कब रिपब्लिक बना, कितने उनके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, स्टोरी से ज़्यादा ज़रूरी है उसका क्रक्स पकड़ना। अब क्रक्स में क्या हम पढ़ेंगे? बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम 5 फेजेस में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक से क्या आया? फाइनेंशियल बैंकरप्सी। फाइनेंशियल बैंकरप्सी से क्या आई? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से क्या होता है? राजा घबरा जाता है, क्या करेगा वो ज्यादा से ज्यादा? वो बोलेगा कि सबकी मीटिंग बुला लो, ठीक है, मीटिंग बुलाता है। और फ्रांस में मीटिंग को क्या बोल रहे हैं? वो एस्टेट जनरल। ये अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे, बस आप मीटिंग को यहाँ पे समझ लो कि इट इज एस्टेट्स जनरल, ठीक है। अब ये एस्टेट जनरल जब मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? अपनी राजे से विश्वास उठ गया तो इन्होंने क्या बोला? हम अपनी नेशनल असेंबली बना लेंगे। अब पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। नेशनल असेंबली बनी तो आम लोगों की थी, लेकिन इनका भी हो गया दिमाग खराब, इन्होंने बोला छड्डो हम बनाएंगे नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन बना ली, अब लोग फिर परेशान कि इस चीज़ से हम निकले थे, अब दोबारा से इसमें फंस गए।
तो इससे इस सारे जो कंफ्यूजन है इससे बचाने के लिए कौन आएगा इनका मसीहा अब हीरो कौन आएगा? नेपोलियन। और जब नेपोलियन आ जाएगा उसके बाद फ्रांस क्या बन जाएगा? रिपब्लिक। पांच फेजेस बन गए हमारे। यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्ट हो रहा है। बेसिकली लोग जो हैं वो सरकार के, वो किंग के, वो प्रीस्टली क्लास के अगेंस्ट हो रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है रिफ्ट एक। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से ये हो रहा है, मीटिंग बुलाई जा रही है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है? जस्ट एक स्टार्ट हो रहा है, रेवोल्यूशन का स्टार्ट हो रहा है यहां पर आके। अब मीटिंग जो स्टेट जनरल बनाई वहां पे एक्शन आ गया। अब यहां पे आ गया सॉल्यूशन की बात। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन था ओवरनाइट। आज तक आप मीठा खा रहे हो, आपको पता है कि आपके शरीर के लिए बुरा है, किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, मीठा पता है। बट लेकिन मैं कल से बोलूं कि आज से मीठा तेरा बिल्कुल बंद, तो ये वो सॉल्यूशन निकाला इन्होंने। आज हम मिले और जो इतने सालों की प्रॉब्लम थी हमने बोला कि नहीं ये नहीं, कल से ऐसे होगा। अब कल से मंडे ट्यूसडे वेंसडे नहीं बोलेंगे, कल से हम कोई और ही नाम रख देंगे। पॉसिबल है ये? तो फिर नेशनल असेंबली से जो नेशनल कन्वेंशन वाला सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इनको लगता है कि ये है, बट उसके बाद जब इनका दिमाग खराब हो जाता है या फिर वो आउट ऑफ अपने रोल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? ये कर्स, कर्स बन जाता है उनके लिए, उनके लिए खुद के लिए शराब बन जाती है कि क्या हमने, लोग कहते हैं कि ये हमने कर ही क्या लिया। ठीक है, उनके लिए शराब बन गया। अब नेशनल कन्वेंशन से बचाने के लिए कौन आया इनका हीरो? वो कहता है जी मैं रिपब्लिक बना के दूंगा, मेरे को आप चांस दो। तो ये क्या आया बंदा बन के? भून, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। अब यहाँ से फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से या फाइनेंशियल बैंकरप्सी से शुरू होके, यानी कि जब फ्रांस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपनी सेना भेज देता है और ऑलरेडी उसके लोग इतने परेशान हैं पैसे की वजह से, क्लास जो वहाँ पे सोशल स्टेटस है उसकी वजह से, या फिर जो डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास या किंग वाली क्लास है उनकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। राजा जाता है पहले लोगों के पास कि पैसे दे दो पैसे दे दो, वो कहते हैं नहीं देंगे। देंगे तब अगर पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा तो उसको पता है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जैसे हुआ कि इंग्लैंड में किंग हो गया जीरो, तो मैं भी यहाँ जीरो हो जाऊँगा, वो कहते हैं नहीं। फिर वो अपने एरिस्टोक्रेसी के पास जाता है, वो कहता है पैसे दे दो, वो कहता है कि क्यों, आज तक तो हमने दिए नहीं, अब क्या ऐसी तेरे को नौबत आ गई पैसे लेने की? वो कहता है ठीक है, वो कहता है चलो अब एक ही मेरे पास कि मीटिंग बुला लेता हूँ सबकी, शायद वहाँ पे बिठा के सबको समझा लूँगा। वहाँ पर वो बुलाता है, वहाँ पर वो जो अब अगर वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट एंड वर्ल्ड के टॉप 5 रिलीजियस हेड्स को हम एक जगह बिठा दें और उनके साथ सड़क से चलते हुए 10 बंदों को उठा लें और उनको बोलें कि आप सारे 20 बंदे एक टेबल पर बैठोगे, क्या वो बैठेंगे उनके साथ? नहीं बैठेंगे। ऐसी फ्रांस की सोसाइटी थी। फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, एक तो नोबलमैन और क्लर्जी, ठीक है, उसके बाद प्रीस्टली क्लास, उसके बाद कॉमन मैन। तो अब जो ऊपर वाले दो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो कहते हैं कि हमने नहीं इनके साथ बैठना फॉर एनी रीज़न, चलो जो भी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, जो भी है रीज़न, कि हमने नहीं इनके साथ बैठना। अब वहाँ पर जाके क्या होता है, वो लोग हो जाते परेशान, वो जब जाते हैं मीटिंग हॉल में तो वहाँ से उनको ताला मिलता है। वो कहते हैं कि अब हमें तुमने बुलाया इतनी दूर से, हम सारे इकट्ठे होके आए, हमें बिठाओ तो सही। वो कहता है नहीं हमने नहीं बिठाना। वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं जिस पैलेस में उनको बुलाया होता है कि भाई मीटिंग करेंगे, उसी के टेनिस कोर्ट में चले जाते हैं। टेनिस कोर्ट में जाके वो अपनी कसम खा लेते हैं, दैट बिकम्स टेनिस कोर्ट ओथ, कि भाई अब हम राजे को कर देंगे जीरो और खुद बनाएंगे नेशनल असेंबली और हम सारे फ्रांस के जो सॉल्यूशंस हैं वो देंगे। नेशनल असेंबली जब बन जाती है तो हर एक को लगता है कि मेरी फिलॉसफी बहुत अच्छी है, बट ये एक्सपेरिमेंटेशन तो हो नहीं सकती, हर इंसान को अपने हिसाब से देखना होता है। अब किंग जो है वो ओवर द सेंचुरीज, वो डे वन से उसका फादर भी किंग था, उसका ग्रैंडफादर भी किंग था, तो उसको पता है कि किसको कहाँ पे, किस जगह पे रखना है, किसको कितनी लिबर्टी देनी है, किसको कितना रोकना है, तो उसको पता है। बट ओवरनाइट अगर मैं बोलूँ कल को कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा और मैं सब कुछ ओके कर दूंगा, नो डाउट मैं बन जाऊँगा, आई हैव द पावर, पावर है मेरे पास, बट अथॉरिटी कोई नहीं है ना, मेरा मेंटली मैं ना मैच्योर हूँ कि भाई इंटरनेशनली मैंने कैसे डील करना है, नेशनली कैसे डील करना है,
जो मेरे अगेंस्ट हैं लोग उनसे कैसे डील करना है, तो होगा तो है नहीं कुछ मेरे से, तो नेशनल असेंबली भी फेल हो जाती है। फेल तो नहीं, मतलब कि अपनी अपने एंगल से तो ये बिल्कुल होता है कि हम बिल्कुल सही चीज़ कर रहे हैं, बट लोग इन्हें फेल कह देते हैं जब ये नेशनल कन्वेंशन का रूप ले लेते हैं। और इन अ सॉर्ट ऑफ वे कि भी किंग को हटा के उन्होंने डिक्टेटर खड़ा कर दिया है, वो काम करने लग जाते हैं, रेन ऑफ टेरर आ जाता है आम इंसान। बात वही है कि जो पहले अमीर था पैसा उसके पास अभी भी है, उसने क्या करा, नेशनल असेंबली के 4-5 बंदे पकड़े कि तू मेरे पैसे पकड़, इन्वेस्ट कर, मैं खुश तू खुश, ठीक है। लेकिन पिस कौन रहे हैं, वही पीजेंट लोग, वर्क ले, जो लेबर है वो अभी भी मर रही है, तो यहाँ पर आके वो दिक्कत परेशानी हो जाती है। अब जब ये नेशनल कन्वेंशन बनती है तो ऑलरेडी ठीक है जो लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, बट फिर भी एक डर होता है हर एक के मन में कि आज उनके साथ ऐसे कर रहे हैं, कल को मेरे साथ धोखा वगैरह कर लिया इसने, मेरे पैसे लेके भाग गया, कौन जिम्मेवार है उसका। वो कहते हैं कि हटाओ इसको, नेशनल कन्वेंशन को भी हटा दो और हम अपना कोई बंदा लेके आएंगे। और वो अपना बंदा कौन लेके आते हैं, नेपोलियन। नेपोलियन को लेके आते हैं कि ठीक है यार, अब देख ले हमने इतना रेवोल्यूशन कर दिया, अब तू आ, अब हमें इंजॉय करने दे जो रेवोल्यूशन से हमें मिला वापस, रेवोल्यूशन से जो हमें लिबर्टी मिली, इक्वालिटी मिली, फ्रटर्निटी मिली, इकोनॉमिक राइट्स मिले, एक ह्यूमैनिज्म मिला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का कारण मिला, तो हमें वो मतलब कि हमें रूल कर हमारे हिसाब से, और जो तूने करना कर, फ्रांस को नहीं हाथ लगाना, ऐसा कर तू अपनी एक्सपेंशन में लग जा। तो वो क्या करता है, आसपास एक्सपेंशन करने लग जाता है, एक्सपेंशन करता करता वो इटली भी जाता है, स्पेन भी जाता है, उधर जर्मन स्टेट्स की तरफ, अभी जर्मनी बना नहीं पूरा एज अ कंट्री नहीं बना, जर्मन स्टेट्स की तरफ जाता है। एंड जब ये जर्मन स्टेट्स की तरफ जाता है, इसके जाने के बाद भी, बैटल ऑफ वाटरलू में इसके हारने के बाद भी, वो जर्मन कॉन्फेडरेशन को कुछ नहीं हाथ लगाते। एंड वो जर्मन कॉन्फेडरेशन, जो इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कि उसमें क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, नेपोलियनिक वॉर्स का या फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि जिससे वो जो सारे 30 के 30 जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होते हैं, वो इकट्ठे होकर कहते हैं कि हम बनाएंगे जर्मनी और बनाएंगे, करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो ऐसे यहाँ पे नेपोलियन आता है, उसके बाद भी चलो थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं, कभी कोई किंग आ जाता है, कभी पार्लियामेंट बन जाती है, बट एट द एंड फ्रांस क्या बनता है, एक रिपब्लिक। नेपोलियन थ्री, ये नेपोलियन वन आ जाता है, एंड में जाके नेपोलियन थ्री भी आएगा अभी, ठीक है। तो उसके बाद ये बन जाता है रिपब्लिक। अब ये तो होगी एक ट्रेलर सा, ये मैं इसलिए बता देता हूँ, ये ठीक लगती है चीज़ आपको, क्योंकि अब जब करेंगे ना तो चीज़ें बीच में और बहुत आएंगी, बट एक स्टोरी सी लाइनअप सा पता लग जाता है हमें, तो शायद समझने में ईजी होता है। और दूसरी बात, मैं डेट्स वगैरह ईयर्स पर इतना फोकस नहीं करता अभी, नहीं अभी पहले समझ लो चीज़ को। वो तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक रेफर करोगे उसमें लिखा होगा कि ये डेट को ये हुआ, जो बहुत मेन डेट्स हैं वो उसका हम बात करेंगे। अब जैसे इसमें 14 जुलाई 1789, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया और हमें 14 जुलाई 1789 ये एग्जैक्ट डेट ही नहीं पता, फिर ज़ीरो है सारी स्टोरी भी। हर रेवोल्यूशन को पढ़ने के लिए उसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इमीडिएट और इंटेलेक्चुअल थॉट्स, ये 5 चीज़ें पकड़ लो, निकाल लो कहाँ से क्या क्या हुआ, रेवोल्यूशन आपका सारा हो गया। बाकी जो बीच में इवेंट्स होंगी वो तो आपको कहीं भी आप कोई बुक रेफर करोगे, कोई नोट्स रेफर करोगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पूरा डिटेल में स्टार्ट करते हैं, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ मेजर रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसने पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हिला दिया, ठीक है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली सोशली बट पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअली, ये सारे एंगल्स में इसको पूरा चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ एनलाइटनमेंट, रेनेसांस, ह्यूमनिज्म, ये सारी चीज़ें आ गई, लोगों को अपने राइट्स का पता लगने लग गया, लोगों को अपनी लिबर्टीज़ का पता लगने लग गया, तो उन्होंने एक फ्रेंच रेवोल्यूशन ले आए, विच विल बी गोइंग टू, मतलब कि अब पूरी जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी पूरी बाउंड्रीज चेंज कर देगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली हुआ क्या, एक ओल्ड रिजीम चीज़ है, ठीक है, ओल्ड रिजीम 1789 में, ओल्ड रिजीम का मतलब क्या, 1789 से जो पहले सेटअप है, किंग है, उसका काउंसिल है, उसके क्लर्जीमैन है, उसके नोबल्स हैं, एक चर्च का सेटअप है, तो 1789 से पहले वाला जो सारा जो सेटअप है उसको ओल्ड रिजीम किया कहा गया, और उसके बाद वाले को न्यू रिजीम किया गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन मकसद रहेगा हमेशा, वो क्या होगा कि ओल्ड सेटअप को ख़त्म करूं, और जो 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें जिनको प्रिवलेजेस हैं उनको, उनकी कम करें प्रिवलेजेस, और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है प्रिवलेजेस उनको
ज्यादा करें. अब यहां पर जो है, अब रेवोल्यूशन यहां पर आया क्यों? अगर यहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया होता फॉर एग्जांपल पहले फ्रांस में, तो क्या कभी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आता? एग्रीकल्चर जो था ना, फ्रांस की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी था. फ्यूडलिज्म था कि एक सेठ होता है जिसके अंडर बड़े सारे पीजेंट्स काम करते हैं, और वो बस पूरी जिंदगी अपना कर्ज का जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट जो छोड़ो इंटरेस्ट ही देते रह जाते हैं. तो क्या होता है, एग्रीकल्चर में सारे लोग लगे हुए हैं. बट एग्रीकल्चर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वो पीरियोडिक एम्प्लॉयमेंट देता है. ठीक है, कि जब सोइंग करनी है या हार्वेस्टिंग करनी है सिर्फ तभी एम्प्लॉयमेंट देगा, बाकी टाइम क्या करेंगे? फ्री रहेंगे. और फ्री जो रहेगा वो क्या होगा? शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर. और उन्होंने कर दिया रेवोल्यूशन. अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता, फैक्ट्री सिस्टम होता, फैक्ट्रीज होती कि रोज सुबह 9 बजे जाना है और रात को 9 बजे वापस आना है, तब होता कुछ रेवोल्यूशन टाइप सा. अगला अपनी बेसिक डिमांड से नहीं पूरा होता. अब जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर तो घर पे सिर्फ पेरेंट्स भाई बहन हो, वो ज़्यादा नहीं शोर मचाते. ठीक है, बट क्योंकि क्या होता है कि मदर एक कैम लगा के रखती है, फादर एक, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 5th 6th से छोटे वालों, मदर एक कैम लगा के रखती है, ब्रदर सिस्टर एक कैम लगा के रखते हैं. ठीक है, एक कैम सब कुछ, मतलब कि उनकी नज़र होती है बेसिकली उन पर. ठीक है, ऐसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होता है कि हर टाइम मालिक की नज़र है अपने जो उसका एम्प्लॉयर है. बट जैसे ही कोई गेस्ट आता है आपके घर में, ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं वो देखें कैसे पूरा आतंक मचा देते हैं. अब घर में तो छोटा बच्चा बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन इसी को मॉल ले जाओ, वहाँ पे जाके उसने लेट जाना कि मेरे को तो यही चीज़ चाहिए, और वहाँ पर अगर आप उसको पीटोगे तो लोग आपको जज करेंगे कि कैसा का ये पेरेंट है, कैसा का भाई है, कैसा का बहन है. ठीक है, तो बस लोगों को आपको किसी काम लगा के रखना चाहिए. इसीलिए ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इंग्लैंड बड़ा एक शांत सा देश रहता है, और वो कह देता है कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करनी. बस थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन में आएगा, उसके बाद तो वो बोल देगा कि मैंने तुम्हारे किसी भी झमेले में आना ही नहीं है. और वो बहुत टाइम तक सेक्लूडेड रहेगा, वर्ल्ड वॉर्स के पास ही उसकी अब हिस्ट्री, उसका हलचल दिखेगी. तब तक वो अपना अच्छा एरिया डेवलप करेगा. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही था कि एग्रीकल्चर जो था वो मेन एक्टिविटी था. प्राइमरी सेक्टर जो था आपका, मतलब कि एग्जिस्ट तो कर रहा था बट उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था. ठीक है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी. जो सेकेंडरी और टर्शरी है आपका सेक्टर, ठीक है, ये दोनों इतने अच्छे से डेवलप नहीं है. अब काम यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो क्या करना है? लोग कहते हैं कि चलो जी हम गवर्नमेंट ही चेंज कर देते हैं, हम राज्य को बदल देते हैं, और तो कुछ करने को है नहीं ढंग का, तो हम यही काम कर लेते हैं. तो इसीलिए इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लेबर क्लास थी और पीजेंट्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करा. और जो सेकेंड मेन क्लास थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा लिया, फ़ायदा इनके पास कभी नहीं पहुँचा, थोड़े टाइम के लिए पहुँचा इनके पास जो पीजेंट्स थे, फ़ायदा इनका किन्होंने लिया? एक तो थी क्लास प्रीस्टली क्लास, ठीक है, जो चर्च के बंदे थे. एक थी जो नोबल और एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, जो राजा थे, राजा का मंत्री हो गया या राजा के जो खास खास लोग हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया. ठीक है, और उसके अलावा अब आ गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आ गया था वर्ल्ड में तो आ ही गया था. अब उससे क्या हो उठ गया था? नया ट्रेडर उठ गया था, नया जो न्यू मिडिल क्लास जो थी, जो हम हमेशा बात करते हैं कि अब सारी हिस्ट्री में जो न्यू मिडिल क्लास होगी, जो नए नए अभी अमीर बनेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. उन्होंने बोला कि यार अब राजा सारा बिजनेस करता है, जिसको ठेका देना है उसकी मर्जी. ठीक है, चर्च की मर्जी है कि भाई जिस मर्जी को डरा धम कहा के, भगवान का नाम लेके, किसी का भी नाम लेके कि भाई तेरे साथ तो भगवान मतलब कि गुस्सा, तू आके मेरे को डोनेशन देके जा, तो वो अपने पैसे, हम कहाँ से पैसे कमाएं? तो हमें तो अपना से चाहिए, हमें अपने से जाने के से के लिए हमें पहले रिप्रेजेंटेशन चाहिए. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की सारी लड़ाई है. अब ये वाली बात है फ्रेंच सोसाइटी की. ठीक है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट. इस सेटअप में फ्रांस की सोसाइटी जो है, लोग हैं वो डिवाइडेड है. सबसे पहले तो आ गया प्रीस्ट, रोमन कैथोलिक जो चर्च के लोग हैं, वहाँ का पोप है. ठीक है, वहाँ पे क्लर्जी क्लास है, वो जो भी है, तो वो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को. सेकेंड स्टेट में आ जाता है नोबल्स, और 2% ऑफ नोबल्स आ जाते हैं. नोबल्स कौन से हो गए? मंत्री हो गए या कोई मेन मेन उनके दोस्त हो गए राजे के. ठीक है, और ये 2% ऑफ पॉपुलेशन थी ये टोटल, एंड 20% ऑफ रिसोर्सेज जो है वो ये अपने पास रखते थे. बाकी 80 किसके पास होगा? 80 किसके पास होगा? लोअर क्लास. नहीं,
लोअर के पास तो कुछ भी नहीं है, किंग 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 के पास है. अब थर्ड स्टेट आ जाता है, ये बोर्जियोसिस जो हमने बोला कि नए नए अभी बने हैं, नए नए मिडिल क्लास उठा है, नया नया पैसा देख रहा है ये, ठीक है. उसके बाद सिटी वर्कर्स और पीजेंट्स. अब कुछ कुछ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यहाँ पे आई गया, उसी की वजह से उनको हुआ ना कि भाई यार अब अपना भी हमें चाहिए, हमें हमारा से चाहिए. सो दिस वॉज द सेटअप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पे. अब यहां पर हम एक डिस्कस कर लें पहले इंटेलेक्चुअल थॉट्स. अब हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ा, उसमें भी हमने देखा कि ठीक है सभी ने सोच लिया करना ही है, बट उसके पीछे कोई विचारधारा होनी चाहिए. बिना विचारधारा के तो बस हमें डायरेक्शन पता नहीं, पहुंचना है हमने अपनी मंजिल पे, ना मंजिल पता है ना मंजिल की डायरेक्शन पता है. तो मंजिल का ऐसी मंजिल का तो पता ही नहीं होना, तो कुछ कोई डायरेक्शन वाला होगा, कोई कोच होगा, कोई मेंटर होगा, कोई गुरु होगा, कोई उस्ताद होगा. तो यहाँ पर कौन उस्ताद थे इनके? मॉन्टेस्क्यू, रूसो एंड वॉल्टियर, ठीक है. अब इनका नाम हमने कल भी पढ़ा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, कि वहाँ पर भी इनका बड़ा रोल था. सो बेसिकली ये तीन लोग वो हैं जिन्होंने सिर्फ फ्रांस को नहीं ही इंटेलेक्चुअली इन्होंने एनलाइटन करा, रादर दिस थ्री पीपल आर कॉल्ड पिलर्स ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, या मॉडर्न वर्ल्ड के जो हैं ये पिलर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हैं, बिकॉज इंटेलेक्चुअली इन्होंने लोगों को मैच्योर करा. अब जो वॉल्टियर था उसका जो सबसे मेन पॉइंट था वो था फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अब आप एक इस्लामिक नेशन में रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पर उठ के आप ये कह सकते हो कि भाई कि प्रॉफिट मोहम्मद को, कैन यू क्वेश्चन द इस्लाम या प्रॉफिट मोहम्मद? क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. अब जब इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला कंसेप्ट अमेरिका पहुँचा, तो वहाँ जाके तो यूनिवर्सिटीज़ में लोग कहने लगे कि आई डोंट बिलीव इन, जैसे कैथोलिज्म था, प्रोटेस्टेंट्स बड़ा एक्टिव हो गया था, वो यूनिवर्सिटी में या फिर सोसाइटी में हमने कह सकते थे कि आई डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट. वो बोले कि ठीक है, इफ़ यू डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट टेल मी द रीज़न, टेल मी द फैक्ट, क्यों नहीं आप बिलीव करते? ये तो नहीं है कि सीधे ही आपको गोली मार देंगे या जेल में भेज देंगे. सो दिस वॉज, ये वॉल्टियर का कंसेप्ट था, और इसको टेस्टिफाई कौन करता है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन USA, जो ये बोलता है कि यू आर हैविंग लिबर्टी टू आस्क, यू आर हैविंग लिबर्टी टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. सो ये उसका एग्जाम्पल है जब मैनिफेस्टेशन हुई है उस लिबर्टी की. उसके बाद वी हैव मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टर मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था, कल पढ़ा था हमने, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, कि किसी भी एक इंसान के पास सारी पावर्स ना दो, ठीक है, उनको डिवाइड करो कि लेजिस्लेटिव वाला बंदा लेजिस्लेट करेगा, एग्जेक्टिव वाला बंदा उन्हें इनेक्ट करेगा, और जुडिशरी वाला बंदा उन्हें चेक करेगा. तो एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम होना चाहिए. सो ये वाला सिस्टम जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया ऑफ अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो ये इसका रोल था. नाउ वी हैव रूसो. रूसो की बड़ी एक फेमस बुक है सोशल, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो क्या कहता है, अब तक जो किंग बीइंग अ डिवाइन या किंग बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये कंसेप्ट तो लोगों के दिमाग से निकल गया था. तो बोला कि किंग नो डाउट इज आर हेड, इज आर लीडर, बट वो एक क्यों हमारे लिए काम करेगा, बिकॉज वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत इट इज़ हिज ड्यूटी कि वो एक सोसाइटी के, एक इंसान के बारे में सोचे और उनके लिए एक बेटरमेंट ऑफ लाइफ दे. तो दीज थ्री प्रिंसिपल्स वर द हार्ट एंड सोल ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ठीक है. अब इंटेलेक्चुअल हो गया. अब हमने बात करी थी डेथ ऑफ ओल्ड रिजीम. ओल्ड रिजीम क्या थी? लुइस, किंग लुइस 1781 के आसपास क्या होता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है, ठीक है, और फ्रांस को लगता है कि अब तो बड़ा अच्छा टाइम है कि मैं अपने दुश्मन को हरा दूं. ब्रिटेन को उसने हराने, क्योंकि पहले भी उसने उसके साथ बड़ी बुरी बात करी है, ठीक है, उससे सारे उसकी कॉलोनीज छीन ली, उसका पूरा
वर्ल्ड में उसका थुदू करा दी कि ऑलरेडी एक टाइम पे होता था कि एक मेजर पार होती थी उसको जीरो करके रख दिया, उन्होंने कर दिया बिना सोचे समझे। किंग लुईस 16 ने आर्मी भेज दी, ना ही अपने लोगों से पूछा, ना ही अपने काउंसिल से पूछा, ना ही अपनी असेंबली से पूछा, बस उसने भेज दिया। अब क्या हुआ कि ऑलरेडी वहाँ पे परेशानियाँ तो है, ठीक है, थ्री सेटअप जो है सोसाइटी का, कि जो ऊपर क्लर्जी है और नोबलमैन है उनको सारे राइट्स तो हैं बट वो टैक्स देते हैं ज़ीरो, और जो सबसे थर्ड एस्टेट है उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, काम भी उन्होंने ही करना है सबके, मतलब कि जो भी अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वहाँ पे पीजेंट्री का काम करना है, वो वहाँ पे लेबर करनी है, कुछ भी करना है, काम भी उन्होंने करना है और टैक्सेस भी सिर्फ उन्होंने ही भरने। तो वो कहते हैं कि ऐसे तो हम मर जाएंगे, मर तो वो पहले ही रहे थे, बट लुईस 16 ने वहाँ पे भेज दी अपनी आर्मी बिना पूछे पहले। तो उसके बाद वो कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वो सबसे पहले जाता है अपने फाइनेंस मिनिस्टर के पास। फाइनेंस मिनिस्टर टूरगॉट के पास जाता है, वो उसको बड़ी अच्छी सलाह देता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आज के टाइम में भी यह होता है कि जो हमें हमारा शीशा दिखा दे ना, और जो हमें सच्ची एडवाइस दे, अच्छी एडवाइस दे, हम उसको बोलते हैं जब निकल जाए यहाँ से, दफा हो जा, ठीक है। तो इसने बड़ी अच्छी एडवाइस दी, वो कहता है सबसे पहली बात तो मेरी बात सुन कि हमने कोई नए टैक्स नहीं लगाने अभी, क्योंकि अभी सारे लोग परेशान हैं, अभी नए टैक्स नहीं लगाने नए। कहना चलो ठीक है, मान ली बात। वो फिर कहता है कि हमने फाइनेंशियल बैंकरप्सी अपनी डिक्लेयर नहीं करनी कभी भी। वो कहता है ठीक है चलो। उसके बाद वो कहता है कि जो अकेला अभी तक थर्ड एस्टेट टैक्स दे रहा है वो अब फर्स्ट और सेकंड से भी ले। वो कहता है ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। और जो फोर्थ है जिसपे वो बिल्कुल ही जीरो कर देता है, वो कहता है कि तू अपने पैलेस के पहले खर्चे कम कर, क्योंकि ही वॉज किंग लुईस 16 मैरी एंटोनेट से एक हैंडीकैप्ड मैरिज में था, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, मतलब कह जो अगर हम पढ़ते हैं तो शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी उस टाइम पर, और ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स थी बेसिकली, वो ब्यूटी विदाउट ब्रेन। ये भी इसकी भी स्टोरी पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि बाकी सब तो तेरी बातें मान लूंगा, ये नहीं बात मान सकता। वो कहता है भाग जाए यहाँ से, वो उसको निकाल देता है अपने कैबिनेट से निकाल देता है, वो कहता है एग्जाइल में चल जा जो भी है। उसके बाद वो जाता है दोनों अपने जो एरिस्टोक्रेसी उसके दोस्त होते हैं उनको कहते हैं लेंटो बिल्स, वो कहता है भाई जरा हेल्प करो, स्टेट की माड़ी हालत है, बुरी हालत है फाइनेंशियली, तो टैक्स वगैरह दो। वो कहते मतलब कि हाउ डेयर यू आस्क अस। तो अब क्या ऑप्शन बचता है उसके पास, जो थर्ड स्टेट को ऑलरेडी पिस रहे थे वो उन पे क्या करता है, नए टैक्सेस लगा देता है। नए टैक्सेस लगाता है तो क्या हो जाता है, दंगे हो जाते हैं। दंगे हो जाते हैं तो वो आर्मी को बुलाता है, आर्मी को ऑलरेडी 8 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो आर्मी का भी कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। तो लास्ट में उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, टू कॉल मीटिंग ऑफ ऑल थ्री एस्टेट्स ऑन 20th June 1789। वो कहता है इस दिन आओ मेरे को मिलो सारे, हम बैठते हैं बातचीत करते हैं कुछ, ठीक है। इससे पहले जब उसने थर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, थर्ड एस्टेट से पैसे मांगे कि टैक्सेस, वो कहते हैं हम दे देंगे नो डाउट, बट वी वॉन्ट रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कौन सी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, कि हमसे पैसे ले लो बट कल को जो पार्लियामेंट बनेगी, एक पार्लियामेंट बने जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाएं, हम वोटिंग करें, हमारा कुछ से हो बेसिकली, तो तभी हम पैसे देंगे। वो कहता है कि नहीं ये तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने पार्लियामेंट यहाँ पे ला दी तो किंग क्या हो जाएगा, जीरो, कोई पावर रहेगी नहीं। और इतने सालों से जो 2000 सालों से पीछे अकस्टम्ड हैं किंग भी और लोग भी, कि जो पावर है वो डिलीवर कहाँ से होगी, किंग से ही, तो वो सारा सिस्टम हिल जाएगा। सो इसलिए वो कहते हैं नो। और 20th June 1789 को ही कॉल्स फॉर अ मीटिंग एट सेंट लुइस पैलेस वर्सेलीज। अब तीनों स्टेट्स के लोगों को बुला तो लेता है, बट जो थर्ड स्टेट है दे बेसिकली रिप्रेजेंट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। अब 80% एक कंट्री की पॉपुलेशन एक मीटिंग में जा रही है तो पहली बात तो उनका बैठना ही नहीं पॉसिबल, और दूसरी बात वही कि टॉप 5 रिचेस्ट एंड टॉप 5 रिलीजियस हेड्स ऑफ द वर्ल्ड क्या इस बाहर मेन रोड से 10 बंदों को उठा के ले जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं इनके साथ बैठ के आप आइडियोलॉजिकल डिस्कशन करो, फाइनेंशियल मतलब कि रोड मैप बनाएंगे हम मिलकर बनाएंगे, वो करेंगे, इसको अकल ही नहीं है, इसको क्या पता, हम ही अपने आप देखेंगे। तो किंग को ऑब्वियसली
किंग अब ये तो है नहीं कि इतना लिबरल तो है नहीं कि नहीं वो बोलेगा कि नहीं नहीं आपने बैठने ही बैठना। वो क्या करता है इस पैलेस के जो हैं गेट्स पे ताला लगा देता है जब थर्ड एस्टेट एंटर करने लगते हैं। अब थर्ड एस्टेट को इस टाइम पे लिबरलिज्म तो आ ही गया, एक माइंड जो है एनलाइटनमेंट तो आ ही गया, लोगों को पता लग गया कि मेरे राइट्स ये हैं, मेरी लिबर्टीज ये हैं, मैं कि किंग कोई डिवाइन नहीं है, किंग मेरा ही चुना हुआ एक या मेरे लिए ही एक वो सीट पे बैठा है, सो ही इज़ डिलीवरिंग पावर फ्रॉम मी। अगर मैं उसको पावर नहीं देता तो दैट मीन्स ही ज़ीरो। तो ये हो जाता कि पैलेस के जो हैं गेट्स लॉक्ड मिलते हैं उनको, वो क्या करते हैं कि अब आए हैं आप कुछ तो करेंगे, तो वो क्या कर देते हैं इस पैलेस के टेनिस कोर्ट जहाँ पे टेनिस खेलते हैं वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके ये डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम तो बनाएंगे नेशनल असेंबली, हम बनाएंगे नया कॉन्स्टिट्यूशन, हम खत्म करेंगे मोनार्की को, ठीक है। सो ऑल इन ऑल सारा वो डिक्लेयर कर देते हैं कि अब तो हमने ये करना है, अब हमने सुननी ही नहीं बात। अब राजा जो होता है वो हो जाते हैं परेशान, वो कहता है कि इतनी मुश्किल से तो इनको बिठाने लगा था मैं, तो एक बार दोबारा कोशिश कर लेता हूँ बात करने की। वो थ्री एस्टेट्स को बुलाता है, वो कहता है यार एक बार बात तो सुन लो उनकी क्या कहना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं चलो ठीक है। 20th May 1789 को वो कहते हैं कि ठीक है। अब 24th मई को वो क्या कहता है कि आ जाओ एक बार आपकी बात सुन लेता हूँ मैं। वो अपनी डिमांड्स रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, पार्लियामेंट बनाओ, ठीक है, हमें राइट्स दो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो, अगर कोई टैक्स लेना है तो तीनों सेक्शन से लो। वो कहता है ठीक है, सुनता रहता है वो बातें। वो कहता है कि ठीक है आज इनका टाइम है बोलने दो। वो कहता है कि चलो ठीक है आपकी बातें मैंने मान ली, अब हम करेंगे 27 मई को हम दोबारा मिलेंगे 1789 को यहीं पर और मैं आपकी सारी बातें मान लूँगा। अब नेशनल असेंबली को लगता है कि मैं तो जीत गई, ठीक है कि हमारी सारी डिमांड्स मान लेगा वो किंग और हम कर लेंगे। नेशनल असेंबली को ये लगता है कि हम वी आर द विनर्स नाउ और अब कल से रिफॉर्म्स हो जाएंगे, मतलब कि जो इतने हज़ारों सालों से एक सेटअप चल रहा था वो 20th May 1789 से शुरू होके 27 मई 1789 को 7 दिनों में हम सब निपटा देंगे, जो आज तक की हमारे गिले शिकवे थे सारे हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे और हम जीत जाएंगे। हैड किंग एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स यहाँ पर, ठीक है 27 मई को अगर किंग उनकी बात मान लेता तो हिस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट होनी थी, ना ही कोई आगे बात बढ़ती, ना ही उनको बुरा लगता, ना वो आर्मी बनाते, ना उसके बाद रॉबेस्पियर आता, ना नेपोलियन आता, तो एंटायरली डिफरेंट यहाँ पे होनी थी अगर इस दिन किंग कुछ अच्छा डिसीजन ले लेता, ठीक है ना वर्ल्ड वॉर वाला चक्कर पड़ता, ना जर्मनी पैदा होता, तो अगर इस दिन किंग शायद सही दिमाग लगा लेता तो हिस्ट्री बिल्कुल ही एंटायरली डिफरेंट होनी थी। बट उसने क्या बोला, ठीक है अब सुन ली बात। 27 को वो क्या करता है पेरिस के आसपास ना दोबारा से सारी आर्मी स्टेशन करने लग जाता है। वो कहता है आओ जरा 27 को फिर मैं बताता हूँ आपको। लोगों को समझ आ जाती है कि ये तो हमें फंसा लिया, वो शिकंजे में फंसा लिया कि सारे कंट्री से हमें बुला लिया, मेन मेन लोगों को, बेसिकली लीडर्स ही थे उनके जो थर्ड स्टेट के थे, कि सबको पकड़ लिया, एक एक को एक कमरे में लेके जाएगा और बढ़िया उनकी तसल्ली कराएगा। तो यहाँ पर हो जाती है गेम उनकी ख़राब। अब नाउ वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द इंटेलेक्चुअल थॉट, ठीक है वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो की हमने बात कर ली। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था दैट वाज बेस्ड ऑन 3 वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी। इन 3 वर्ड्स पे जो सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो टिका हुआ था और इसी को इंडिया ने भी अडॉप्ट करा इन इट्स प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब सबसे बड़ा कारण क्या था कि लुईस 16 बात क्यों नहीं सुन रहा था किसी की। किंग वॉज मैरिड टू मैरी एंटोनेटे, ठीक है ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी एंड इट इज़ कंसिडर्ड कि भाई शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी उस टाइम पर। बट बात यही है कि भाई बीइंग, पहली तो बात प्रिंसेस या क्वीन और दूसरी बात बहुत सुंदर, तो उसका पूरा दिन क्या होता था, वो शीशे के सामने बैठ के बोलती थी, पूछती थी उससे शीशे से कि मिरर मिरर टेल मी हु इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल, और मिरर के पीछे खड़ा होता था लुई 16, वो बोलता था मैडम यू मैडम यू मैडम यू, ठीक है। तो अगर किंग ये काम कर रहा है तो स्टेट कौन देखेगा,
तो ये जो मैरिज थी, दिस वॉज द मेजर फैक्टर कि भाई किंग अपना एक सही काम क्यों नहीं कर पा रहा था। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस उसको हमेशा डोमिनेट करती थी, ना ही उसने हमने कोई अच्छे सलाहकार की बात सुननी, ना ही लोगों की बात सुननी, बस जाना, इन्जॉय करना, मतलब कि इसके साथ रहना और आ जाना, और जो अपने मन में आना या जो इसने कहना वही करना कि किस देश के साथ लड़ाई करनी है, किसके साथ हमने फ्रेंडशिप करनी है, क्या टैक्स लगाना है, क्या नहीं लगाना। तो यही इसको अंदर से पूरा पंप दे के भेजती थी और बाहर आके जस्ट ये रिएक्ट कर देता था। अब 28 जून को वही बात करी, 23 को उसने बोला कि ठीक है एक बार आ जाओ, 27 को वो कहता है कि ठीक है आपकी सारी बातें मान लूँगा, बट होता ऐसा कुछ है नहीं है। वो क्या करता है, पेरिस के आसपास अपनी सारी जो है सेना इकट्ठी करने लग जाता है और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करता है कि या तो मेरे हिसाब से चलो, किंग के हिसाब से चलो, नहीं तो फिर गेट रेडी फॉर द एक्शन। अब 14 जुलाई 1789 को अब सारी रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी, लड़ाई शुरू होगी, लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि अब तो हम वर्सेस किंग हो गए मोड में, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को ठीक है रिवोल्ट चल रही है, रिवोल्ट में क्या होगा, आर्मी होएगी, आर्मी को अब लोगों को अगर ऑप्रेस करना है तो क्या चाहिए, वेपन्स चाहिए, तो वेपन्स लेने कहाँ पे जाएंगे, अपने किले में जाएंगे जहाँ पे फोर्ट्स में होते हैं, तो बेस्टील में एक उनका किला होता है तो वहाँ पर जाते हैं, और जब आर्मी वहाँ पे जा रही होती है ऑब्वियसली वहाँ पे लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, इधर से आर्मी जा रही है, इधर से मासी जा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्ट ऑफ बेस्टील है। अब इसमें क्या होता है, दोनों आमने सामने आ गए, जब एक रिवोल्ट में, जब एक दंगे में दो पार्टीज आमने सामने आ जाएंगी, क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। एंड इस लड़ाई में अराउंड 98 पीपल वर किल्ड जब आर्मी इन पे अटैक कर देती है। अब 98 को तो मार दिया, लेकिन जो पीछे 20-30 हज़ार लोग और खड़ा वो क्या करेगा, वो एक तो आर्मी को भी मतलब कि पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और जो फोर्ट ऑफ बेस्टील होता है जिसमें सारे आर्म्स एंड वेपन्स एंड एम्यूनेशन पड़ा होता है उस पर कब्जा कर लेते हैं। सो दिस 14 जुलाई 1789 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका कारण क्यों, फॉल ऑफ बेस्टील क्या सिग्निफाई करता था, नंबर वन है डायरेक्ट एक्शन कि भाई बस अब तो लड़ाई ही चलेगी, वेपन्स हमारे पास भी हैं, सपोर्ट हमारे पास भी है, सब कुछ हमारे पास है, तो हम एक आर्मी के तौर पे, हम एक प्रोटेक्शन यूनिट के तौर पे हम आपकी अगेंस्ट खड़े होंगे। दूसरी बात, दे फॉर्म पेरिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद वो ये भी उनको बता देते हैं कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की, वी कैन रन आर ओन पेरिस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और तीसरा क्या होता है, नेशनल गार्ड्स बन जाते हैं। नेशनल गार्ड्स क्या होते हैं, नथिंग बट द आर्मी। अब जिस आर्मी को 8 साल से, मतलब कि सोल्जर्स को 8 साल से तनख्वाह नहीं मिली, सैलरी नहीं मिली, वो क्यों काम करेगा, वो कहते हैं ठीक है अच्छा मौका है, कॉमन मासेस के साथ चले जाओ, क्योंकि विजन था उनका कि शायद ये मतलब कि किंग को बदल देंगे, कि शायद ये पूरे सिस्टम को बदल देंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइम पर क्या हुआ, नोबिलिटी के भी कुछ लोग जो बिजनेसमैन थे बेसिकली, उनको पता लग गया कि अब किंग का जो है टाइम ख़त्म होने वाला, जो एक क्लर्जी है, चर्च है, इसका भी टाइम ख़त्म होने वाला है, जाके इनसे मिल लो। तो ये इनके साथ मिल जाते हैं और इनमें ग्रॉन्डेंस एक पार्ट बन जाते हैं। अब जो नेशनल असेंबली ने वो 27 मई को जो करी होती है डिक्लेरेशन की, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फिलोसफिकल बेस होना चाहिए, तो फिलोसफिकल बेस पे क्या वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं अगस्त 1789 में कि हम बनाएंगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कि जैसे प्रियम्बल आता ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये दिस थिंग विल एक्ट एज ए प्रियम्बल टू द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो हम 1791 में लागू करेंगे विद द परमिशन ऑफ किंग। परमिशन ऑफ किंग क्यों, क्योंकि उनको भी यही लगा कि आज तक 2000 साल से किंग चल रहा है, जो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किज्म होना चाहिए। कि 2000 साल से जो एक राजा चल रहा है, हम ये नहीं कह सकते कल से वो तू राजा नहीं है, या कल से लोगों को हम ये नहीं कह सकते कि आज से तुम्हें किंग नहीं रूल करेगा, एक प्राइम मिनिस्टर रूल करेगा, ये समझाना बड़ा मुश्किल है। तो इसको वो बस एक सीट दे देते हैं, एक हेड बना देते हैं कि तू हमें बैठ, एंड तू हमारा सिर्फ सिंबॉलिक एक हेड होगा, जो सारी पावर्स होंगी वो पार्लियामेंट के पास ही होंगी। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, इसमें कुछ अलग से चीज़ दिखी आपको? हाँ, डिक्लेरेशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आया नहीं वहां पे पूरी तरह से, वुमेन्स की राइट की कोई बात नहीं कर रहा. तो दीज डिक्लेरेशंस, दीज लिबर्टीज, दीज दिस सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, ये सारी किसके लिए थी? सिर्फ मेन के लिए. वुमेन की कोई रोल नहीं था. नो डाउट वुमेन इसमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करते थे, कभी कभी नहीं करते थे. स्टार्टिंग में मॉडरेट फेज था तो इसलिए ज़्यादा उनसे स्ट्रिक्ट नहीं हुए. बट बाय द टाइम वहाँ पे रेन ऑफ टेरर 1793 के बाद रेन ऑफ टेरर आ गया कि जो स्टेट की फिलॉसफी को नहीं मान रहा उसको मार दो. तो उसमें भी जिन मतलब कि वुमेन ने दे प्लेड. उसके बाद एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन वुमेन भी एक हुआ था 1792-1793 के आसपास. तो जो उसकी एक्चुअल में ड्राफ्टर थी उसको मार दिया था इन्होंने, जैकोबियन सरकार ने उस टाइम पे. अब लड़ाई तो हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, या फॉल ऑफ बेस्टील हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सारी मतलब कि फॉर्मेशन स्टार्ट होगी. अब क्या होता है पेरिस में, जो रॉयल फैमिली होती है वो वर्सेल्स में रहती है बेसिकली, ठीक है. तो पेरिस में क्या होता है कि वहाँ पे आ जाता है फेमाइन, वहाँ पे अकाल पड़ जाता है, खाना नहीं मिलता लोगों को. लोग कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है. वहाँ पे रोटी वाला कंसेप्ट तो है नहीं, ब्रेड वाला कंसेप्ट था, तो हमारे पास ब्रेड नहीं है. तो रानी जो होती है वो कहती है फिर क्या हो गया, ब्रेड नहीं मिलता तो उन्हें बोलो केक खा ले. तो उसको इतना भी नहीं पता कि भाई अब क्या ब्रेड केक अगर बनेगा तो मतलब कि कोई कोई क्रॉप होएगी, कोई उसमें आटा पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, चीनी पड़ेगी, ये चीज़ें तो उसको इतना तो पता नहीं है. तो जब वो ये बोलते कि लेट द मीट केक, जब वो अपने अपने नीचे रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते कि जाके उनको बोलो कि अगर ब्रेड नहीं मिलता तो जाके केक खा लो, उससे पेट भर लो, जब सारा सिस्टम ठीक होगा तो हम ओके हो जाएंगे. वो कहते ठीक है, वो ना नीचे आके मैसेज देते हैं, वो इसको समझ जाते कि हमारे साथ मजाक कर दिया. अब मजाक कर दिया, एक तो ये हो गया एंग्री मॉब हो गया, एक तो एंग्री मॉब आ गया, ऊपर से जो नेशनल गार्ड्स हैं वो भी इस टाइम पे आर्मी इनके पास है, नेशनल गार्ड्स हैं, आर्मी भी है इनके साथ, क्योंकि अब इनके सिंपथेटिक हो गए ये. वो क्या करते हैं, रॉयल फैमिली को उठाते हैं और वर्सेल्स से पेरिस ले जाते हैं, जस्ट टू शो देम कि देखो कि असल में ये चीज़ होती क्या है, कि अगर ब्रेड नहीं मिली तो केक नहीं हम खा सकते, कि केक एक लग्जरी आइटम है, ठीक है. तो इसलिए वो वर्सेल्स से उनको पेरिस में ले जाते हैं. और इससे जो होता है, वर्सेल्स जो पहले एक सेंटर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, दैट शिफ्ट टू पेरिस नाउ. अब पेरिस जो है, सारे जो गेम होएगी, सारी लड़ाइयाँ होएगी, कोई भी डिस्कशन होगी, सो दे विल हैपन इन, दे विल टेक प्लेस इन पेरिस ओनली. अब पुरानी रिजीम तो इन्होंने ख़त्म कर दी 1789 में, ठीक है. नया इन्होंने प्रियम्बल भी ड्राफ्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया. अब ये क्या करते हैं, फ्रांस जो होता है ना, पहले बड़ा हैपेजाडस वे में उसकी डिवीज़न हुई होती है, कि कोई स्टेट बड़ा है, कोई स्टेट छोटा है, किसी स्टेट में कम सिटीज़ हैं, किसी में ज़्यादा विलेजेस हैं, ये वाला बड़ा होता है. तो जो सबसे पहले ये काम करते हैं कि पूरे फ्रांस को ना 83 डिवीजन्स में बांट देते हैं नई में, और उसके बाद इन प्रॉपर मैनर, कि अगर एक अगर ऑन एन एवरेज एक स्टेट के पास इतने सिटीज़ हैं, इतने विलेजेस हैं, तो यूनिफॉर्मिटी रखते हैं सबसे पहली बार, ठीक है. दूसरी बात, वहाँ पे पार्लियामेंट को बना देते हैं, काउंसिल बना देते हैं, कि आप ऐसे मतलब कि डायरेक्शन इलेक्शंस जो होंगी इनडायरेक्ट होंगी, बट जो इलेक्शंस का बेस होता है वो क्या होता है, सेम. जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करते हैं, वो वोट कर पाएंगे. जो नहीं, जिनके पास ना प्रॉपर्टी है ना टैक्स पे करते हैं, वो नहीं वोट कर पाएंगे. बिकॉज उस टाइम तक मेच्योरिटी इसी से डिसाइड करी जाती थी, कि आर यू एबल टू अर्न समथिंग, आर यू एबल टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एसेट्स, तो उस बेस पे होता था. और डिपार्टमेंट्स जो पहले राजे महाराजाओं के नाम पे, या रोमन कल्चर के नाम पे, या पेगन गॉड्स के नाम पे होते थे, तो वो ज्योग्राफिकल फीचर्स के नाम पे उसको डिपार्टमेंट्स को वो रीनेम कर देते हैं. अब 1793 से पहले, जब तक लुई 16 का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, जब तक उसको बाजार में ला के गुलिटॉन क्या चीज़ होती है, कि ऊपर से एक, अभी फोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी आएगी. तो एक मशीन है, उसमें गर्दन आपके नीचे रख के ऊपर से एक तलवार आएगी, वो आपका गर्दन काट देगी, तो दैट इज़ गुलिटॉन, ठीक है. गुलिटॉन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो जो वो फॉर्म ऑफ पनिशमेंट जिसने डेवलप करी थी, उसका नाम था ये गुलिटॉन. अब ये मॉडरेट रिफॉर्मर्स हैं, बेसिकली मॉडरेट रिफॉर्मर्स नहीं है कुछ, कौन है, न्यू मिडिल क्लास है, जो ट्रेडर बन गया था, जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, कुछ इंडस्ट्रीज थी, या जिसको एक्सपोजर था, कि पता था कि यार ये होगा सिस्टम. अभी कि ऐसा सोशल रेवोल्यूशन लाना चाहते थे जहाँ पे सिर्फ टैलेंट को जो है, अगर इफ़ यू आर टैलेंटेड, आपके पास अपॉर्चुनिटी है. ये एक ऐसा सोशल रेवोल्यूशन नहीं लाना चाहते थे कि हर जगह दंगे हो रहे हैं, हर जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर मेरे अगर किसी एक घर में भी कुछ खाने को कम हो गया, वो आता है बाहर, आता है दंगा फसाद कर देता है,
और ऐसे सोशल रेवोल्यूशन नहीं, वो एक ऑर्डरली जाते थे। ऑर्डर क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास अभी नई नई फैक्ट्रीज बनाई हैं, उन्होंने नई नई लैंड्स ली हैं, वहाँ पे लोग चाहिए काम करने के लिए। अगर दंगे ही चलते रहेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। सो ये बड़ा ही सटल सा एक सोशल रेवोल्यूशन चाहते थे। सो देवर ग्रॉन्डेंस, ठीक है, ग्रॉन्डेंस एक जगह का नाम है, तो इसलिए वो मेजोरिटी जो यहाँ के लीडर्स थे वो इसी एरिया से थे। एंड दे यूज टू सिट ऑन द राइट साइड ऑफ द, ये थे थर्ड स्टेट के ही वैसे, ठीक है, थर्ड स्टेट की अगर मीटिंग होती थी तो दे यूज टू सिट ऑन द राइट साइड। और जो इनका दूसरा ग्रुप है, दे वर मॉडरेट पॉलिटिशियन रिफॉर्मर्स, मोंटेग्नाराइट्स, मोंटेग्नाराइट्स क्या वर्ड है देख लो, ठीक है, नहीं नहीं जैकोबियन इसका एक अलग, इसमें एक सबसेट है, बट जो इनकी है विचारधारा। अब इसमें कौन लोग हैं? पीजेंट्स हैं एंड लेबर क्लास है। इसमें हैं नए नए ट्रेडर्स जिन्होंने अभी नए नए अपने स्टार्टअप्स शुरू करे हैं, इसमें हैं अभी भी लेबर क्लास ही है। और इसमें से एक ग्रुप आता है जैकोबियंस का, जो बहुत ही रेडिकल होते हैं, और दे यूज टू सिट ऑन द लेफ्ट साइड। और इसी से आज हम पढ़ते हैं ना, लेफ्ट की पॉलिटिक्स, राइट की पॉलिटिक्स, वो यहाँ से डेवलप हुई है। राइट ये कहते हैं कि जो चल रहा है ठीक है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो ठीक है बिल्कुल। लेफ्ट है वो कहते हैं कि हम रेवोल्यूशन भी ले आए, इवन देन वी आर लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट, इवन देन हमारे राइट्स नहीं मिल रहे, सो वी आर लेफ्ट आउट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट। सो यहाँ से ये लेफ्ट राइट वाली जो पॉलिटिक्स के कंसेप्ट है यहाँ से डेवलप होते हैं। अब क्या होता है कि नेशनल असेंबली बन गई, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए अब, ठीक है, अब उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अब एक नेशनल लेवल पे किसी ने बोल दिया कि मैंने एक फंक्शन कराना है, ठीक है, वो बड़े अच्छे उसका इंटेंशन है, वो बड़ा एक सोशल कॉज करना चाहता है, वो क्या करता है, पंजाब में एक बंदा दे देता है, हरियाणा में, हर स्टेट में एक एक बंदा दे देता है, और वो भी चलो ठीक है, उसका भी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट जब सिटीज़ में बात जाती है, एक बना दिया संगरूर हेड, एक बना दिया लुधियाना हेड, वो बंदे करने के लिए गुंडा कर दी, वो जाके कहते हैं कि लाड़ा जी 1,000 नहीं 11,000 रुपये से एक कमरे पे आनी लेंगे, तो वहाँ पे चल पड़ी गुंडा कर दी। तो धीरे धीरे अब उनको लगने लग गया कि यहाँ के बाहुबली तो हम ही हैं बस। तो इससे क्या हुआ, जो एक्चुअल में रेवोल्यूशन चाहता था वो उसका ऑपोजिट ही हो गया। इतनी तो मतलब कि जो कॉमन मासेस थे वो कहते कि इतनी तो हमारे साथ जो मतलब कि धक्का होता है जो तो किंग नहीं करता था जितना तुम करने लगे। अगर कोई इनकी बात नहीं मानता था तो उसको मार देते थे, ठीक है। अब ये जो रेवोल्यूशन सारा हो रहा था, ये कुछ एक वायलेंट फॉर्म ऑफ एक्शन लेने लग गया। इससे ये सैन कैलोट्स, कैलोट्स पता क्या होती है, कैलोट्स डालते हैं सारे, नहीं नहीं कैलोट्स जो मतलब कि लड़कियां नहीं डालती, लोअर जो होता है हमारा, कैलोट्स खुले से पैंट्स होते हैं जो, कैलोट्स नहीं प्लाजो टाइप ही होता है, हाँ कैलोट्स भी होते हैं, वो पैंट्स होते हैं बेसिकली। तो ये वही चीज़ है विदाउट कैलोट्स। विदाउट कैलोट्स का मतलब कि जो बंदे अभी पीजेंट्स थे उससे पहले क्या होता था, ब्रीचिज डालते थे, ठीक है। ब्रीचिज कौन सी होती थी कि नीचे से पैंट टाइट होती थी, और अगर मतलब कि हम ऊपर फर्स्ट या सेकंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी देखते थे, जो प्रिविलेज थे वो लोग ब्रीचिज डालते थे, ठीक है, कि नीचे से पैंट जो होती थी वो लूज होती थी, और जो ऊपर जब यहाँ पर थाइज में आ जाती थी तो खुली हो जाती थी। तो दैट वॉज अ साइन उस टाइम पे, जो कपड़े के हिसाब से पता लग जाता था कि ये प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से है कि थोड़ा सा ऑप्रेस से है। पी एस सी क्या हुआ, पी एस सी नहीं 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 वो चीज़ नहीं, मैं क्या वो चीज़ अलग है, नहीं 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 वो और होती है, वो तो हाफ होती है पैंट, वो नहीं चीज़ कह रहा मैं। अब कैलोट्स देखो पहले क्या होती है, अभी देख लो चलो, ये तो बाकियों के तो पता होना चाहिए। नहीं 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 वो भी नहीं होंगी, ब्रीचिज और उसमें ब्रीचिज वो वाली ब्रीचिज नहीं होंगी हॉर्स राइडिंग वाली, ये होर की गल कर रहे हैं कि नीचे से टाइट होती है ऊपर से लूज होती है, है ना, ब्रीचिज होती है, और एक होती है कैलोट्स। ये मतलब कि बड़ा ट्रेंडिंग सी चीज़ है आजकल, तो प्लाजो टाइप ही होती है, हाँ शायद मतलब कि वो भी डालते हैं कभी कभी, हाँ
तो ब्रीचीज और ये कैलॉट जो है कपड़ा मिलेगी। हाँ जी यार, अब देख लेना एक बार, अब मैं अगली बार फोटो ले आऊंगा, मैं अगली बार दोनों की फोटोज ले आऊंगा। हाँ, सो जो उस टाइम पे रेवोल्यूशन था वो कपड़ों के हिसाब से हो रहा था, ठीक है। अब वियरिंग अ कैप और उस पर रेड कॉकेड, मतलब कि उस पर टांगने वाली चीज, ठीक है, अभी वो यूनिफॉर्म बन गई थी बेसिकली। अब कपड़े के हिसाब से आप दे रहे थे, अगर वो उसने कलोट्स डाले हैं तो दैट मीन्स वो अब नए नए वो जैकोबियन या फिर जो रेडिकल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो वो आ रहे हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो वो होते थे। और जो ब्रीचीज अगर किसी ने डाली हैं तो दैट मीन्स वो एक हाई सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मतलब कि बिलोंग करता है और वो एक नोबल मैन है। तो यहाँ पर वही हुआ कि लोगों ने जाए गए जब वो उन्होंने बोला कि हमारी आइडियोलॉजी को मानते हो कि नहीं मानते जैकोबियंस की, वो कहते नहीं मानते, वो कहते ठीक है आ जाओ, फिर वो उनको मार देते थे। और जो मान जाते थे मुश्किल में, अब क्या करे अब बंदा, वो कहते ठीक है जी जो आप कह रहे हो ठीक है। अब ऐसे करते करते जो सिस्टम है करप्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे वही लाला जी 11,000 रुपये से एक कंपनी, वो 11,000 वाला अगली बार जब जाता है वो कहता 1,00,000 रुपये से कंपनी। वो करप्शन जो है इस सिस्टम की वो शुरू होगी। जो नेशनल असेंबली बनी थी लोगों की लिबर्टी के लिए फाइट करने के लिए, वो तो उल्टा और तंग करने लगी। अब ये तो सारा हो गया, अब रिलीजन पॉलिटिक्स को तो इन्होंने मैनेज कर लिया नेशनल असेंबली ने, अब रिलीजन को कैसे इन्होंने मैनेज करा, रिलीजन को ये कैसे मैनेज करेंगे बेसिकली वो बताओ, पढ़ के ही बता दो। किंग और नोबल मैन को तो इन्होंने कर दिया सेट, अब चर्च को क्या बोला कि चर्च जो है तुम्हारी सारी पावर वो तुम थ्रू पार्लियामेंट चलाओगे, कि चर्च जब सुप्रीम नहीं रहेगा तुम अगर कोई भी एक्शन करोगे तो वो हमारे थ्रू होगा, अब तुम्हारा पोप लगेगा तो हमारे थ्रू लगेगा। एक इसलिए उनके काम करने का तरीका कि अगर कोई पाठ पूजा कराना है तो उसमें इतने पैसे लेने हैं तुमने, वो लिखा गया सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी जो है वो लिखा गया, अगर तुमने यहाँ पर जाना है यहाँ पर कितनी डोनेशन लेनी है तो वो लिखा गया सारी चीज़ें। और दसवंध वाला कंसेप्ट पता है सबको, है ना, तो ऐसी चर्च में होता है TITH, TITHE, उसको एबॉलिश कर दिया, क्योंकि पहले जो वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए यूज होता था दसवंध, इनका दसवंध क्रिश्चियंस का, तो वो पोप अपने लिए यूज करने लग गया, क्लर्जीमैन अपने लिए यूज करने लगे, कहीं नई चर्च बनानी है उसके लिए यूज करने लगे, तो यहां पर भी करप्शन आ गई। तो वो सारा जो चर्च वाला अमला जमला उन्होंने बोला कि थ्रू नेशनल असेंबली ही तुम लोग चलोगे, एंड दिस वॉज डिक्लेयर्ड थ्रू द 4th August 1789 को ऑगस्ट डिक्रीज, काफ़ी सारे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले विच वर कॉल्ड द ऑगस्ट डिक्रीज। डिक्री का मतलब होता है रूल, कि जजमेंट क्या आया, डिक्री कर गए ना अंडरस्टैंड कि डिक्री का मतलब क्या, कि उन्होंने एक परवाना मतलब कि फरमान निकाल दिया कि ये होगा आज के बाद से। अब करप्शन इधर आ गई, चर्च में भी करप्शन आ गई, ठीक है, जो पैसा इधर से जा रहा था अब नेशनल असेंबली उसको यूज़ कर रही थी वो भी उसको करप्शन करने लगी, ठीक है, लोगों पे ऑपरेशन और बढ़ने लग गया। सो उस टाइम पे एक एडमंड बर्क अपनी एक बुक लिखता है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, उस बंदे ने उसी टाइम पर इसको प्रिडिक्ट कर दिया कि ये जो है इट विल लीड टू ब्लडशेड, इसमें इतना ज़्यादा मतलब कि ब्लडशेड होगा, इतनी ज़्यादा रिवोल्ट्स होंगी, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी कि वो संभलने किसी से। सो ही वॉज द वन हु प्रिडिक्टेड इट। तो इसमें यहाँ पे एक इसकी बुक और राइटर एंड उसका जो मेजर मैसेज है वो देख लो एक बार। अब रेवोल्यूशन का रिलीजन पे क्या हुआ फर्क, ऑगस्ट डिक्रीज निकाल दी उधर से, प्रोटेस्टेंट्स की एंट्री कर दी शुरू, एक सेकुलर टाइप सा नेशन स्टार्ट कर दिया, तो रिलीजन जो है वो बैकफुट पे आ गया, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी निकाल दिया, पोप की जो है वो सैलरी लगा दी कि सैलरी पे तो चलेगा आपको, ये नहीं है कि गुल्लक में से जो पैसा आया वो पोप का या क्लर्जी मैन का, ठीक है। एंड जो मेन जो चीज़ आई ना, नवंबर 1790 में इसने बोला कि अगर कोई भी पोप बनेगा तो उसे बाइबल से साथ साथ एक सिविल कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनाया है हमने इसकी भी एलिजेंस करनी पड़ेगी, मतलब कि ओथ इस पर भी रख के हाथ लेनी पड़ेगी कि मैं इसी जो तुमने रिटर्न सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं मैं इसके हिसाब से अपना सारा काम करूँगा। सो दिस वॉज समथिंग जो रोम की चर्च को पसंद नहीं आया। रोम की चर्च कहाँ पर आ गई, ऑस्ट्रिया, इटली,
यहाँ पर चाहे रेनेसांस आ गया बट रोमन जो चर्च है वो अभी भी यहाँ पे बहुत एक्टिव है. इसीलिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया की जो पहले से ही दिक्कत परेशानियाँ थी ठीक है वो और बढ़ जाते हैं क्योंकि वहाँ का पोप भी इनके एंटी हो जाता है. अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं जी 1791 वाला. उसमें क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कि किंग रहेगा बट सारी पावर्स कहाँ से चलेंगी पार्लियामेंट से. लॉ ऑफ क्लर्जी बना लिया सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी बना लिया कि इसके हिसाब से तुम अपना काम करोगे ठीक है. चर्च बनेगी डोनेशन आएगा जो भी है इससे मैनेज होगा. ह्यूमन एंड सिविल राइट्स की बात करी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटर्निटी की उन्होंने बात कर दी. इकोनॉमिक पॉलिसी मिक्सड इकोनॉमी कर दी एंड ओपन टू टैलेंट कर दिया. जिसके पास टैलेंट है वो जाए और अपना स्टार्टअप कर ले ठीक है. और लास्ट जो है वो है असिंक. उन्होंने एक नई करेंसी बना दी. नई करेंसी बनाने का मतलब कि पुराना जो सिस्टम था वो आपका सारा हो गया खत्म. अब से नया सिस्टम चलेगा नए सिस्टम में नया पैसा चलेगा. तो उन्होंने नई करेंसी डेवलप कर दी. बट अब जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता किंग तो अभी भी है ठीक है ना प्रेसिडेंट तो अभी भी है. तो अगर कोई भी चीज़ हमने पार्लियामेंट ने पास करानी है तो किंग के साइन तो चाहिए चाहिए ठीक है. तो किंग क्या कहता है सबसे पहली बात उसको पता लग जाता है कन्फ्यूजन हो रही है अभी क्यों कैथलिक्स का और फ्रांस का इशू शुरू होने लग गया. उधर से ऑस्ट्रिया जो है वो क्योंकि प्रिंसेस जो मैरी एंटोनेट थी शी वॉज वो वहाँ की बेटी थी ऑस्ट्रिया की वो कहते हैं कि अगर हमारे बेटी और जवाई को कुछ करा तो देखना. फ्रांस को वो धमकी देने लग गए. लुई 16 को पता लग गया कि ठीक है अब तो मेरी हेल्प में ऑस्ट्रिया आ जाएगा तो मैं शायद अपनी किंगशिप जो है जो पुराना सिस्टम है वो रिवाइव कर लूँगा. तो वो कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने मेरे साइन कराया ना वो मेरे साइन नहीं है वो इन्होंने अपने अभी साइन मार लिया. सो अगर किंग ने चैलेंज कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये तो मेरे साइन ही है सो दैट मीन्स ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जीरो. तो इसलिए जो इनका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस का एक्सपेरिमेंट था ऑफ 1791 दैट फेल्ड ठीक है. उसने किंग ने तो बोल दिया मना ही कर दिया बिल्कुल. अब क्या हुआ जो लुई 16 के भाई बहन थे और इनका सारा रिश्तेदार थे जो सारे रिश्तेदार थे वो तो सारे चले गए ऑस्ट्रिया ठीक है. बचा कौन पीछे ये. अब इसको भी लगा कि चलो ठीक है ऑस्ट्रिया के साथ बाद में लड़ाई करके I'll get back my empire. तो ये क्या करते हैं कि रॉयल फैमिली जो होती है सारी भागने लग जाती है और वहाँ से ये ऑस्ट्रिया से अपना कम्युनिकेशन कर लेते हैं कि हम आएंगे और हमें आके ले जाना ईस्टर्न बॉर्डर्स पे वर्नीज के बॉर्डर्स पे ठीक है. वहाँ पर जब तक ये पहुँचते हैं फ्रेंच मतलब कि नेशनल असेंबली को पता लग जाता है और वो वहाँ से पकड़ के इनको वापस ले आते हैं और इनको पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह रख लेते हैं. उसके बाद जो उनका रॉयल पैलेस होता है उस पे ये जो ग्रोनेंस हैं बेसिकली ये कब्जा कर लेते हैं वापस जस्ट टू शो कि अब रॉयल यू आर नो मोर द किंग नो मोर क्वीन यू आर जस्ट आर प्रिजनर्स ठीक है. बट अभी तक वो पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह रखते हैं यानी कि उनको अच्छा घर दे देते हैं रहने को अच्छा खाना पीना देते हैं सब कुछ करते हैं. पहले तो वो ये पेरिस वाले घर पे उन पर कब्जा कर लेते हैं. चलो उन्होंने पेरिस वाला जो महल था उस पर तो कब्जा कर लिया. अब किंग को एक राजे को किसी कंट्री के राजे को उन्होंने बना लिया बंदी एक प्रिजनर बना लिया. तो आसपास के किंग्स को भी होगा परेशानी कि अगर रेनेसांस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कोई भी आइडियोलॉजी है वो फैल रही है कि कल को अगर हमारे कंट्री में आ गई. ऑस्ट्रिया कहता है अगर मेरे पास मेरे यहाँ पर आ गई तो मैं भी तो राजा हूँ मेरे यहाँ पर ना रेवोल्यूशन आ जाए. तो वो क्या करते हैं सारे इकट्ठे होकर डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिट्स डिक्लेयर कर देते हैं 1791 में. उसमें वो ये लिखते हैं कि थ्रेट टू मोनार्की हेयर इज थ्रेट टू मोनार्की एवरीवेयर कि अगर फ्रांस में आज ये चीज़ हो रही है कल को हमारे साथ भी होगी. रशिया को और ऑस्ट्रिया आवास में करते हैं वहाँ पे कैथरीन होती है वहाँ की क्वीन होती है ठीक है. और यहाँ पर लियोपोल्ड टू होता है ऑस्ट्रियन एम्परर ये आपस में चिट्ठियाँ एक्सचेंज वगैरह करते हैं और कुछ कुछ चिट्ठियाँ ये लुई 16 को भी भेजते हैं और लुई 16 अपने घर में रखता था उनको चिट्ठियों को ठीक है. तो अभी ओपन डॉक्यूमेंट होगा हो गया कि भाई ऑस्ट्रिया ने और रशिया ऐसे सारे मोनार्क्स ने लिख के भेज दिया फ्रांस को कि अगर तुमने जो हमारा किंग पकड़ा हुआ है अगर इसके साथ कोई गलत किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा. तो दैट मीन्स ऑस्ट्रिया और फ्रांस अब आगे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में. और ऑस्ट्रिया तो चलो ठीक है रेडी है लड़ाई के लिए. फ्रांस को भी लगता है कि यार नहीं अब मेरे पास आर्मी भी है मेरे पास पैसा भी है मेरे पास सपोर्ट भी है सब कुछ है तो मैं क्यों ना लड़ूँ. तो वो क्या करता है दे डिक्लेयर वॉर ऑन ऑस्ट्रिया.
अब एक साइड पे तो वो ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं एंड सेकेंडली क्या होता है कि जो इंटर एक तो एक्सटर्नली भी उनके अब प्रॉब्लम्स आ गई क्योंकि जब आप वॉर लड़ रहे हो तो आपका काफ़ी रिसोर्स लग रहा है ठीक है। इंटरनली जो सैंस कैलोट्स हैं वो अपना मतलब कि दादागिरी से शो कर रहे हैं तो इंटरनली भी चीज़ें ठीक नहीं है। और ऐसे टाइम में कैथलिज्म के साथ साथ प्रोटेस्टेंट्स को जब बोल दिया कि आप आ जाओ जी अब फ्रांस में एंट्री कर लो, ऐसे टाइम पे कहना कि फ्रेंच गवर्नमेंट सेड नो होप फ्रॉम पोप, बट 90% पॉपुलेशन तो वहाँ पे अभी भी कैथलिक्स हैं, सिर्फ 10% ही हैं जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, अभी भी कैथलिज्म जो है वो फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ठीक है। ऐसी स्टेट में कह देना कि एक पाकिस्तान में जाके कह देना अगेंस्ट इस्लाम बोल देना या इंडिया में अगेंस्ट हिंदुइज्म बोल देना तो एक बवाल हो जाएगा, ऐसे ही फ्रांस में हो गया। उन्होंने बोला कि यार ऐसे नहीं बात चलनी। सेकेंडली कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो उसने क्विन लुई 16 ने बोला था कि ये तो मेरे से फोर्सफुली कराएं और ये मेरे साइन ही नहीं है ठीक है, तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया। और जो पेलनिट्स डिक्लेरेशन थी उससे डायरेक्ट वॉर की डिक्लेरेशन कर दी ऑस्ट्रिया ने रशिया ने फ्रांस पे। सो ऑल इन ऑल इस टाइम पे जो सिचुएशन है इंटरनली और एक्सटर्नली वो कुछ ठीक नहीं चल रही। तो क्या करते हैं सारे पार्लियामेंट, वो कहते हैं कि किंग को हटा ही दो, कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई थी वो ख़त्म कर दो, हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे आने वाले टाइम में 1792 या 1793 में हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वो कहते ठीक है। अब ये करते करते क्या होता है कि फ्रेंच रॉयल रेजिडेंस जो ट्यूलरीज में होती है वहाँ पर भी वो जब जाते हैं कब्जा करने वो कि भाई रॉयल पैलेस है अब पार्लियामेंट लेगी नेशनल असेंबली लेगी, वहाँ पर ये जो पिलनिट्स डिक्लेरेशन के अंडर ऑस्ट्रिया फ्रांस रशिया की जो आपस में एम्परर्स की चिट्ठियाँ एक्सचेंज हुई होती हैं वो मिल जाती हैं लोगों को। वो कहते हैं कि दैट मीन लुई 16 तो हमें मरवाने को तुला हुआ है, वो हमारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है या बोल रहा है कि आओ तुम अटैक करो, आई विल हेल्प यू दिस वे आई विल हेल्प यू दैट वे, सो दैट मीन्स तू तो नेशन के अगेंस्ट ही चले गया। नेशन के अगेंस्ट जाने की सजा क्या होती है, मौत। और वो क्या करते हैं, ही वॉज गुलटॉन्ड इन द पैलेस और पैलेस डी ला रेवोल्यूशन इन पैरिस इन जनवरी 1793। ये होते हैं गुलटॉन, ऐसे लिटाया ऊपर से ये छोड़ा और उसकी गर्दन कट गई। बट अभी तो हम बात कर रहे थे रेनेसांस की, कि एनलाइटनमेंट की, लोगों की भलाई की, और ऐसे टाइम में भी ये पनिशमेंट्स दी जा रही हैं कि मार ही दो और वो भी ऐसे मारो। चलो पनिशमेंट्स तो रहेंगी, ऐसे क्यों पनिशमेंट रहेगी, आप प्रिजनर ना दो, लाइफ टाइम सेंटेंस दे दो, इम्प्रिजनमेंट कर दो, मारना है और वो भी ऐसे मारना, गुलटॉन करना है, क्यों, क्योंकि उस टाइम के फिलोसफिकल सोचते थे कि जो एक देशद्रोह की है अपराध है उसकी सजा सिर्फ मौत है, और मौत देने का सबसे ईजीएस्ट तरीका है ये कि एक सेकंड में बिना तड़पे बंदा मर जाता है। सो इसीलिए रेनेसांस एनलाइटनमेंट की एज में भी ऐसी की पनिशमेंट्स आ रही थी, जो कंपैरेटिवली तड़पाए ज़्यादा ना, या तो हो कि किसी को कोई खिला दो जहर खिला दो तो पहले तो बंदा वैसे मरने से पहले 100 बार वैसे मरेगा और उसके बाद फाइनली मरेगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें एक सेकंड में गेम ओवर। तो इसलिए एनलाइटनमेंट की एज में भी हमारी पनिशमेंट्स चल रही हैं। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन वो कहते हैं हम बनाएंगे, क्योंकि पुराने वाला तो किंग ने भी मना कर दिया और उसमें कैथलिज्म वाला भी जो हमारा सिस्टम था वो चला नहीं, तो अब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सो वो एक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस की ट्राई करते हैं, तो कहते हैं कि 1792 या 3 में लाएंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। अब जो रिपब्लिक वाली चीज़ है सबसे पहले अब आती है, रिपब्लिक का मतलब कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है। और सबसे पहले फ्रांस ने बोला कि अब मैं रिपब्लिक बनूंगा, मेरे को किंग की ज़रूरत नहीं है। और उसमें क्या बना देते हैं, डायरेक्टरी बना देते हैं 5 मेंबर्स की, जो साल में एक बार मिलते हैं, और जो डायरेक्टरी के 5 मेंबर्स हैं वो साल में कुछ कुछ टाइम के लिए सारे कुछ कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, सबको चांस मिलता है। इस डायरेक्टरी में से निकलेगा जैकोबियन क्लब का जो मेन मेंबर होगा रोबेस्पियर, ठीक है। उसके बाद वो बना देते हैं अपर हाउस लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा टाइप्स। उसमें बोलते हैं कि लोअर हाउस जो है, सॉरी अपर हाउस जो है, एक रेजोल्यूशन को निकालेगा कि अगर लॉ बनाना है तो उसको पूरा फ्रेम वगैरह करके भेजेगा, बट जो उसको पास करेगा वो कौन करेगा, लोअर हाउस करेगा। थर्ड एक सेकुलर स्टेट बना देंगे कि जो जिसने करना है करो, कि पहले तो हमने बोला था प्रोटेस्टेंट्स आ जाओ, अब जो जिसने करना है करो, जो जिसने धर्म करना है करो, बट
dress now became matlab ki but state ka involvement itna ho gaya tha ki dress batati thi ki kya ye insaan state ke sath hai ki state ke against hai agar jisne calots dale hote the that means wo us time pe representative hota tha sarkar ka aur sarkar ke representative ne jo bhi kar liya usko jayaz hai next communist principle aa gaya communist principle kyu aa gaya ab कम्युनिस्ट होता है कि लेबर से रिलेटेड जो उनके प्रो होते हैं क्योंकि जब हमने बात करी थी थर्ड एस्टेट की उसके अंदर भी ना दो ग्रुप्स हमने बताए थे कि एक तो नया नया ट्रेडर था और एक अभी भी कौन थे पीजेंट्स और लेबर्स जो फर्स्ट हाफ 1793 से पहले नेशनल असेंबली को रन कर रहे थे वो लोग कौन थे ग्राउंडिंग्स वो मॉडरेट रिफॉर्मर्स थे वो कहते थे कि बिजनेस होने दो बट उसके लिए सोशल रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं बस हमने जितना रेवोल्यूशन लेके आना था ले आए अब इससे ज़्यादा नहीं बट पीजेंट्स और लेबर कहते कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी हम तो पहले भी काम करते थे हम अभी भी काम कर रहे हैं ऑपरेशन हमारा एक्सप्लॉयटेशन पहले भी होता था अब भी हो रहा है अब बस ये है कि अब पहले किंग की फैक्ट्री में होता था अब तुम्हारी फैक्ट्री में होता है सो 1793 में अब ग्राउंडिंग्स जो मॉडरेट रिफॉर्मर्स होते हैं वो कहते हैं किंग को मारो ना तो इसमें क्या होता है मासिस जो होते हैं मासिस को तो चाहिए मसाला वो कहते हैं कि किंग को मारेंगे पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम होगा तो क्या होता है कि जो मासिस है वो सपोर्ट ले जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की ठीक है और इससे जो मॉडरेट रिफॉर्मर्स हैं उनका जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है अब जो रेवोल्यूशन को आगे चलाएंगे वो चलाएंगे पीजेंट्स और लेबरर्स पोलिटिकल पोलराइजेशन की बात करी है हमने कि मॉडरेट्स का फेज़ हो रहा है ख़त्म अब क्योंकि वो चाहते हैं कि आराम से काम होता रहे ठीक है बट अब तक क्या हो गया कि टाइम ऐसा आ गया कि अगर किसी एक घर में भी कुछ खाना नहीं होता था वो पूरे स्टेट को हाईजैक कर लेता था तो उसको रोकने के लिए मॉडरेटली तो हो नहीं सकता कि बात से करें हम उसको अपीज कर लें हम उसको कन्विंस कर लें कि कोई बात नहीं हम तेरे को खाना दे देंगे ये वो कह रहे नहीं मैं तो जी अड़ गया तो इसको अड़े वाले बंदे को कौन ठीक कर सकता है तब आए सैंड कैलोट्स वो कहते कि बात सुननी या नहीं सुननी वो कह रहे नहीं सुनी वो मार देते थे गोली अब एक को मारी गोली 100 को चल गया मैसेज कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी मैंने तो इसलिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन आ गई मासिस का सपोर्ट तो ऑब्वियसली वो किंग की जो उन्होंने एग्जीक्यूशन कर दी उससे मिल गया अब जो है सारी गेम चलाएंगे ये और उसमें अब एक छोटा ग्रुप और निकलता है जैकोबियंस का ऐसे कि बड़े सारे ग्रुप्स बने हर स्टेट लेवल पर प्रोविंशियल लेवल पर उसमें से जैकोबियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर निकलते हैं और उसमें से भी रॉबस्पियर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर निकलता है और जब ये आता है तो ये क्या करता है अभी हमने पीछे बैठे डायरेक्टरी बनाएंगे 5 मेंबर्स की वो सारे डायरेक्टरी के पांचों के 4 मेंबर्स जो और होते हैं उनको मार देता है और डायरेक्टरी मेंबर जेडे लोग चुनेंगे जेडे टैक्स पेयर्स होंगे या फिर जिन्हें लैंड होगी इनडायरेक्ट इलेक्शन की हमने जो नहीं वो ग्राउंडिंग भी हो सकते हैं हजे तो ये जैकोबियंस भी हो सकते हैं वो जड़े मर्जी हो सकते हैं ग्राउंडिंग्स अपने एरिया में से जीत जाएंगे ठीक है बट अगर किसी एरिया में है जहाँ पे पीजेंट्स ज़्यादा हैं जहाँ पे लेबर क्लास ज़्यादा है वहाँ पे लेबर क्लास वाला रिप्रेजेंटेटिव आ गया और लेबर क्लास वाले रिप्रेजेंटेटिव से आ जाता है रॉबस्पियर जो बड़ी कम्युनिस्ट बातें करता है और सब कुछ करता है पावर में आने के बाद क्या करता है वो अपने चारों बंदों को मार देता है और होली सोली सारा वो कहता है कि अब से जो फ्रांस चलाऊँगा मैं चलाऊँगा ये सैन कैलोट्स ये नी ब्रीचेस ये पढ़ना जाके जरा क्योंकि ड्रेस कोड ही तो था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आप देखोगे ना तो उसमें ड्रेस कोड के हिसाब से यू कैन टेल कि कौन जैकोबियन है कौन ग्राउंडेंस है कौन एस्टेट सॉरी प्रीस्टली क्लास से है या कौन वो किंग का बंदा अब जब जैकोबियन क्लब ने टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी अब काम होगा वो हमारे साथ होगा तो उन्होंने क्या बना दिया कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी क्या कहती थी कि जो भी डिक्लेरेशन थ्रू गवर्नमेंट चाहेगी वो मेरे थ्रू जाएगी ठीक है और अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट भी लेनी है किसी आज की डेट में जैसे हम पीसीसी की बात करते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं ना एक तो उस टाइम पे ये पीसीसी ये देते थे और पीसीसी ये कब देंगे अगर आप स्टेट को फॉलो करोगे स्टेट की आइडियोलॉजी को फॉलो करोगे और अगर आप नहीं करोगे सो वायलेंस होगा तो वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1792-1793 में जो उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी हम बनाएंगे वो सारा इन्होंने ज़ीरो कर दिया इन्होंने बोला कि जो तो हमारे साथ है वो है जो नहीं है नहीं है इतना टेरर कर दिया बट टेरर कर दिया गलत
Because 80% of executions जो इसमें terror of action में 1792 से 1793 में होती है, उसमें 80% वो लोग हैं जो common men हैं, rather than nobles. मारना तो मतलब कि अगर action की बात ही लेनी है, तो करना तो इनपे वो चाहिए था जो privileged classes करा, फिर भी इन्होंने क्या सुना common people पे. तो common people पे अगर दोबारा कर दिया, तो लोगों ने फिर भी विद्रोह कर दिया कि ठीक है तुम तो आए थे मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी प्रोटेक्शन के लिए, अब तुमने आके मेरे पे ही मुश्किल करनी शुरू कर दी. अब वो क्या करते थे, जैकोबियंस क्या कहते थे कि वी हैव द जनरल विल, कि हमें पता है कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, कि और जो हम कर रहे थे वो लोग चाहते थे. अब इतनी ज़्यादा वो पावर में अपने हो जाते हैं अंधे कि वो कहते हैं कि हम तो कैलेंडर को भी चेंज करेंगे. कैलेंडर को कैसे चेंज करेंगे, वो कहते हैं 1792 में हमने ये रेवोल्यूशन को स्टार्ट करा था, ठीक है ना, इसलिए हम उसको बोलेंगे ईयर ज़ीरो, और 1793 से हम बोलेंगे ईयर वन, और कैलेंडर अब से ऐसे चलेगा. इन्होंने कैलेंडर सिस्टम को ही चेंज कर दिया, और इन्होंने बोला कि नहीं ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं. लोगों के सिर पे अगर तलवार रखोगे तो उनको बोलो दिन में बोलो रात है, रात वो बोलेंगे, रात को बोलोगे दिन है तो दिन बोलेंगे. तो ये कर दिया. उसके बाद जो 7 days week वाला कंसेप्ट चलता रहा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते थे, इन्होंने क्या कर दिया, 10 days वाला कंसेप्ट कर दिया कि अब से जो वीक में होएंगे वो 10 days होएंगे. उसके बाद एक इन्होंने ये भी कोशिश करी थी कि हर दिन जो है वो 10 hours का होगा, rather than being of 24 hours, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. आफ्टर दैट 12 months ही रहेंगे, ठीक है, बट हर मंथ के होंगे 30 days, यूनिफॉर्म होंगे. और जो 30-31 वाला कंसेप्ट या लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला कंसेप्ट है वो हम ईयर के एंड में एड अप कर देंगे. सो दिस शोज कि ये कितना ज़्यादा अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, कि एक इतने बने बनाए सिस्टम्स को इन्होंने जब चेंज कर दिया. अब कैलेंडर को भी चेंज कर दिया इन्होंने रिलीज कैलेंडर को भी चेंज कर दिया. उसके बाद ये जो मीटर है, एरिया है, वॉल्यूम है, इनकी डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया. अब लाइट की डेफिनेशन एक 1 second की मीटर की बात करें हम, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है. नहीं मीटर, अगर मैं बोल दूं कि वर्ल्ड लेवल पे मैं ये डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये पेन फॉर एग्जाम्पल 1 meter का है, ठीक है, ये मैं ऐसे रख दिया तो ये पूरी जिंदगी क्या ये 1 meter ही रहेगा. गर्मी में एक्सपेंड करेगा, सर्दी में कंट्रैक्ट करेगा, तो 1 meter तो कुछ हो नहीं सकता. तो एक साइंटिफिक कुछ होगा. तो 1 meter की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3×10^8 ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, इन 1 minute इन वैक्यूम. ये मीटर होता है असल में, कि जितनी स्पीड, जितना टाइम में, सॉरी, जितना डिस्टेंस लाइट जो है 1/3×10^8 ऑफ अ सेकेंड में ट्रैवल करती है उसको बोलते हैं 1 meter. अब वो चाहे आप पोल्स पे कर लो, वो चाहे आप हिमालयस पे एक्सपेरिमेंट कर लो, जो वो चाहे प्लेन्स में कर लो, हमेशा सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. अगर मैं बोल रहा हूँ एक आयरन रॉड रख दूँ एक लेबॉरेटरी में जाके कि आज से ये जो है ये 1 meter होगा पूरे वर्ल्ड में होगा, कभी उस पर रस्ट लगेगा, रस्ट लगेगा उसकी डायमेंशंस बिल्कुल. अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके आना है तो आपको बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा कि जहाँ पे एरर की गुंजाइश ना हो. तो ये एक वैक्यूम जो है, वैक्यूम ही हो सकती है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कुछ. तो ये वही बात है कि इन्होंने जो मीटर है, वॉल्यूम है, ऐसी टाइम की भी, सेकंड की भी डेफिनेशन है, अब केजी की भी डेफिनेशन है, ग्राम्स की भी डेफिनेशन होती है. तो वो भी अगर जैसे आती है 12th में, जैसे नॉन मेट किसी ने लिया होगा, हाँ जी, नहीं वो डेटिंग में आ जाता है, C12 वो डेटिंग में होता है. एटॉमिक मास तो वो आपका वो भी करेगा ना, डेटिंग का मतलब ही यही है कि भाई कार्बन में जो कंपाउंड है वो अपने आप को लूज करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जितना वो लूज करेगा उसके हिसाब से वील फाइंड आउट कि इसकी एज कितनी है, ठीक है. बट एक यूनिफॉर्म रहेगी कोई चीज़, कि अगर मैंने बोल दिया कि ये पूरी मतलब कि आज से चाहे 1000 साल बाद इस पेन को ऐसे देख लेना, ऐसे ही रहेगा ये नहीं रहेगा, ये इस पर कुछ करोजन हो जाएगी, कुछ इस पर डिफॉर्मिटी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई कि जो सेकेंड है, मीटर है, वॉल्यूम है, ये सबकी डेफिनेशन है, तो उनको भी इसने चेंज कर दिया. सो इससे ये
पता लगता है कि ये इतने ज्यादा अपने पार के नशे में पागल हो गए थे कि जो इनका मन आता था वो कर देते थे और एंड में बोलते थे जनरल विल। जनरल विल कैसे? सामने वाले बंदे को बोलते थे कि जो हमने बोला 10 घंटे वाला दिन बनाना है, वो कह रहा हाँ जी, नहीं तो गोली मार देंगे। वो बोले कि 10 हफ्ते 10 दिनों वाला हफ्ता बनाना है, वो कह रहा ठीक है बना लो, मेरे को क्या लेना देना। अब रेवोल्यूशन पे, रेवोल्यूशन का रिलीजन पे क्या फर्क पड़ता है? चर्च को तो इन्होंने बिल्कुल ही जस्ट एक नेम सेक बना दिया इन्होंने अब, ठीक है, जैकोबियंस ने। अब रेवोल्यूशन का रिलीजन पे क्या फर्क पड़ा कि इन्होंने क्या करा कि चर्च तो ठीक है साथ में चल रही है, अभी तक खत्म नहीं करी उन्होंने, ठीक है, बट इन्होंने नेशनल हीरोज एंड इन पर्टिकुलर जैकोबियंस उनको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि उनके उनके नाम पे मेले लगा दिए, उनके स्टैचूज बना के लगाने लगे। एंड इतना ज़्यादा हो गया था कि जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन नेम्स होते थे, कि कोई होता है ना रिलीजियस नेम्स रख देते हैं, हिंदी हिंदूज में भी होता है, हर रिलीजन में होता है कुछ थोड़ा सा रिलीजियस नेम रख देते हैं, तो वो भी इन्होंने बोला कि नहीं आज से ये नहीं रखना, आप नेशनल हीरोज, नेशनल हीरोज किसको मानते थे ये जैकोबियंस को, कि उनके नाम पे रखो, उनके नाम को आप सेलिब्रेट करो, उनके बर्थडेज को सेलिब्रेट करो, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे आप यू शुड पे सम रिस्पेक्ट टू देम। सो रिलीजन को साइड पे करके इन्होंने रेवोल्यूशनरी हीरोज को आगे करके बोला कि नहीं अब से जो रिलीजन होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए। द वॉर सॉन्ग मर्सेलीज, जो फ्रेंच आर्मी जब लड़ने जाती थी तो एक गाना गाते हैं, ये आर्मी में कंसेप्ट है। उस वॉर सॉन्ग को इन्होंने क्या बोला, इतनी ज़्यादा डिक्टेटरशिप, इतनी ज़्यादा वायलेंस को प्रमोट करने के चक्कर में उन्होंने नेशनल एंथम बना दिया फ्रांस का। अब सारी जगह प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आ गई तो किसको सबसे बड़ा धक्का लगेगा? अब अगर पीजेंट्स और लेबर फोर्स मिलकर इतना कुछ करी जा रही है तो किसको सबसे ज़्यादा धक्का लगेगा? जो नया अभी न्यू मिडिल क्लास थी उनको सबसे ज़्यादा धक्का लगेगा क्योंकि उनका बिजनेस रुक गया, ठीक है, उनसे डोनेशंस के नाम पे उनके साथ ये कर रहे थे, उनकी पॉलिसीज को ये डिस्क्राइब कर रहे थे, तो अब अगर कोई टाटा बिरला अंबानी है वो ये तो चाहेगा नहीं कभी कि कोई थर्ड पर्सन करे, वो बोलेगा कि पॉलिसी अगर मैं इतने बड़े लेवल पे इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो पॉलिसी भी मैं ही बनाऊँ, तो वो कहते हैं कि पॉलिसी भी आज से हम ही बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, थर्मिडोरियन, थर्मिडोरियन का मतलब फ्रेंच में क्या है, जुलाई, यानी कि जुलाई में ये सारा जो एपिसोड हो रहा है जुलाई में हो रहा है, इसलिए इसको थर्मिडोरियन सेटलमेंट बोलते हैं, और ये वाइट रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। अब वो बोलते हैं कि जैसे को तैसा, जैकोबियंस अगर बोलते थे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे गोली मार देंगे, तो इन्होंने भी यही बोला, अब जो नया मिडिल क्लास था ये बोला ठीक है आ जाओ, फिर इन्होंने जाके जैकोबियंस को सबको मार दिया, एंड एट दी एंड इन्होंने रॉबस्पियर को भी मार दिया, सबको मार दिया और जैकोबियंस को इन्होंने बिल्कुल वाइप आउट कर दिया। अब इन्होंने दोबारा से क्या करा, रेस्टोरेशन ऑफ ग्रॉन्डेंस वाला मॉडरेट फेज ऑफ रिवोल्ट दोबारा से लिए। अब इन्होंने एक और कॉन्स्टिट्यूशन की कोशिश करी, वो 1792-3 वाला तो हो नहीं पाया था पॉसिबल इनका। अब ये बोलते कि हम थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन लेके आएंगे 1795 में, ठीक है, उसमें हम डायरेक्टरी रखेंगे 5 की, मतलब कि उस चीज़ को इन्होंने सेम रखा। उसके बाद काउंसिल ऑफ एल्डर्स होगा जैसे राज्यसभा है, और उसके बाद कॉमन हाउस है जैसे लोकसभा आज के टाइम में, तो ये सारे मिलके एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे, और उसके बाद जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा एंड ही विल बी कॉल्ड द प्रेसिडेंट। अब वो कहते हैं बहुत हो गया लड़ाई वगैरह, बहुत होगी मतलब कि सारी कन्फ्यूजन इतनी बहुत सारी होगी, अब हमें पीस चाहिए, अब हमें जो हमने इतने सालों में कमाया है अब उसका हमें वर्थ पता लगे ना क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐसे लीडर को खड़ा करते हैं वो, जिसको बोलते हैं कि अब फ्रांस को तुम्हें सही सलामत चलाना है और लोगों को तुम्हें विद्रोह नहीं करने देना। अब लोग विद्रोह कब करते हैं, जो हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर में बात करी, जब वो फ्री होंगे। अब जो नेक्स्ट लीडर आता है नेपोलियन, वो लोगों को हमेशा काम लगा के रखता है, ठीक है। तो आज की डेट में क्या होता है कि अगर कोई भी लीडर कहता है कि प्रॉब्लम आ गई, लीडर कहता है कि जी ठीक है आज हम क्या करेंगे, आज हम शाम को 5 बजे निकलेंगे और अपने वो बजाएंगे प्लेट और चम्मच से हम बजाएंगे, ठीक है, काम लगा दिए लोगों को, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी आज हम क्या करेंगे, मतलब कि लोग तो परेशान हैं ही हैं इतने सारे, ठीक है आज हम ऐसा करेंगे, आज हम 5 बजे ना इस पार्क में इकट्ठे होंगे और कैंडल चलाएंगे, काम लगा रहे हो बस लोगों को। नेपोलियन ने यही काम करा कि जो भी फ्री मिलता था वो बोलता था अच्छा तेरे को प्रॉब्लम है आ जा मेरे साथ, वो देख यहाँ पर हम ये करेंगे, हम जर्मनी पर अटैक करेंगे, हम ऑस्ट्रिया पर अटैक करेंगे, उसको काम लगा देता था बस। तो इसलिए नेपोलियन को उन्होंने, मतलब कि दो ही वॉज ए आर्मी कमांडर जो काफ़ी देर से फ्रेंच आर्मी के साथ एसोसिएटेड था, बट उन्होंने, नेपोलियन एक ऐसा पावरफुल बंदा निकल के आता है जो
लोगों को समझता है। अब एक क्रिकेट मैच अगर देखते हैं हम, उस पर एक जब युवराज सिंह ने 6 बॉलों पे 6 छक्के मारे थे, बड़ा मज़ा आया था। उससे अगले ओवर में अगर चलो ठीक है, अगले ओवर की पहली बॉल पे वो आउट हो जाता है, ठीक है, बुरा लगा, तो जो अगला बैट्समैन आएगा उससे हम एक्सपेक्ट यही करेंगे ना कि ये भी 5 बॉलों पे 5 छक्के मारे, है ना। और अगर आगे वो टिप टिप करने लग जाए हम बोर हो जाएंगे। तो लोगों को काम क्या लगाना है कि बस दिखाते रहो कि ये हो रहा है, इधर छक्का जा रहा है, उधर छक्का जा रहा है, सामने मारेंगे, अब इसके बाद देखना मैं अगली बॉल पे बैक मारूंगा। तो लोगों को काम लगाना, नेपोलियन ने वही करा। और नेपोलियन के बाद क्यों डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि वो युवराज सिंह के बाद उन्होंने भेज दिया कोई बॉलर, कि जो बॉलर अब आएगा वो बैट्समैन तो क्या ही कर पाएगा, वो टिप भी करके क्रीज पे भी खड़ा रहेगा, बहुत बड़ी बात है उसके लिए, बट कोई लोग पसंद तो नहीं करेंगे। स्टैंड्स में लोग मतलब कि ठीक है, अब ना बोलेगा ठीक है आया तो देखना तो पड़ेगा, बट नो वन विल एंजॉय। तो इसीलिए क्या होता है, नेपोलियन की डिफीट के बाद में जो फ्रांस का जो सिस्टम है वो दोबारा से खराब हो जाता है। अब आ जाता है मेन पर्सनैलिटी। अगर वैसे इसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो, या फिर वैसे भी इसका थोड़ा सा बेसिक टेक्स्ट पढ़ोगे, अच्छी चीज़ है, काफ़ी कुछ सीखने को है, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेसी को बिलोंग करता है। इसके लिए ये नहीं है कि क्या जीत है क्या हार है। नो वन इज़ हिज फ्रेंड, नो वन इज़ हिज एनिमी, ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर हिज इंटरेस्ट, कि मेरा फ़ायदा कहाँ पर है। कोई दोस्ती नहीं को, क्योंकि किंग की किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी नहीं हो सकती। वो एक कॉमन एक आम बनना कि नहीं जी मेरा तो वो दुश्मन है, मैं उसके घर नहीं जाना। और कल को पता लगे कि दुनिया पूरी दुनिया में सिर्फ वो आपका दुश्मन ही है जो आपका काम करा सकता है, सिर्फ ईगो के चक्कर में नहीं। तो ही वॉज अ परफेक्ट किंग, जिसको कुछ नहीं लेना देना, जो अगर उसका दुश्मन से भी काम है तो दुश्मन से भी निकाल लेगा। अब वो उसमें यही करता है, वो आता है और वो बोलता है कि क्या रेवोल्यूशन लगाई पड़ी है, हो गया ना, मतलब कि तुमने मॉडरेट फेस भी देख लिया, तुमने एक्सट्रीमिस्ट फेस भी देख लिया, तुमने किंग को भी हटा दिया, रेवोल्यूशन इसलिए लाए थे कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी चाहिए, मिल गई ना। सो ही डिक्लेयर्स द रेवोल्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल्स विच इट बिगैन, इट इज ओवर। तो कहते हैं रेवोल्यूशन खत्म जी, आज से हम प्रोस्पेरिटी करेंगे, आज से हम ये करेंगे, आज से हम काम पे जाएंगे। तो क्या करा उसने, इन अ वे जो भी रिवोल्ट्स थी, जो छोटे मोटे रॉयड्स थे, उनको सबको दबा दिया। उसके बोला कि नहीं अब छोड़ो, अब इकोनॉमिक हम प्रोस्पेरिटी करेंगे अपने। अब 1799 में जब नेपोलियन आता है, तो थोड़ा सा पीछे एक बैड फेस चल रहा था फ्रांस का, जहाँ पे रेन ऑफ टेरर आता है, तो वो ज़्यादा अपना ऑस्ट्रिया या फिर और कॉलोनीज पे जो उसने जीती होती है वो ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो इसलिए जर्मन स्टेट्स वाली साइड पे जो कोल एंड आयरन होता है, और इटली में जो पोर्ट्स होते हैं, जो वैसे तो इन्होंने फ्रांस ने जीते होते हैं, बट ऑस्ट्रिया दोबारा से फ़ायदा उठा के इन दोनों को वापस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब इस टाइम तक क्या हो गया, रशिया भी एक मेजर पावर बन गया, फ्रांस की तो बात ही चल रही है, इंग्लैंड भी एक मेजर पावर बन गया, उधर से ऑस्ट्रिया जो है वो भी एक मेजर पावर है। तो अब ऐसी सिचुएशन में उसने डील करना है सभी के साथ। वो क्या करता है, सबसे पहले अपना जो उसका बड़ा पुराना दुश्मन होता है ऑस्ट्रिया, वो बोलता है कि पहले तो जो उसने मेरी कोल माइंस और पोर्ट्स लिए हैं वापस, मैं उनसे बोलूँ वापस। तो वो ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़ता है, और ट्रीटी ऑफ कैंपोफोनिया 1797 में वो कहता है कि आप मुझे अब ट्रीटी ऑफ कैंपोफोनिया मैंने आपको हरा दिया, तो आप मेरे को सबसे पहले एक्सपेंशन, जो अब ये जो जर्मन कॉन्फेडरेशन की बात अगली होएगी, तो यहाँ पर जब वो कहता है कि राइन रिवर तक, यानी कि जर्मनी तक, फ्रैंकफर्ट वाले एरिया तक मेरे को जो है फ्रांस को एक्सपेंड करना है, ठीक है, वो कहता है कि वहाँ तक मेरा एरिया बना दो, वो कहते हैं ठीक है बना दिया। उसके बाद जो कोल वाला नेदरलैंड्स और पार्ट ऑफ इटली वाला जो कोल जहाँ से मिलता था उनको, तो वो वाला एरिया कहता है कि वापस करो, क्योंकि इंडस्ट्रियल अब रेवोल्यूशन खत्म हो गया, अब उसने क्या लाना वहाँ पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, और ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, पोर्ट्स। तो वो यहाँ से अपना रॉ मटेरियल उठाता है कि फैक्ट्री चलेगी, फैक्ट्री कैसे चलेगी, कोल से चलेगी, ठीक है। उसके बाद जो इटालियन स्टेट्स है, फ्रांस कहता है कि आज से मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। इन अ वे क्या हुआ कि आज से तुम मेरे सब्जुडाइज हो, तुम मेरे नीचे मतलब कि अब रहोगे, मेरी शरण में रहोगे। ऑस्ट्रिया नो डाउट चलो ठीक है, उसको मनाने के लिए वो क्या कहता है, वेनिस तू रख ले, बस उसको वेनिस उसको मिल जाता है। एंड इन दिस वे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो एक पुश दे देता है फ्रांस को। अब आर्मी जो है उस टाइम तक बड़ी बुरी हालत में, आर्मी का एक्सपेरिमेंट ही हो जा रहा है, कभी कोई उसको सार में ले जाता है, कभी कोई उसको बेलाफुस आगे ले जाता है, आर्मी के मोटिवेशन लेवल उतना नहीं है। तो वो क्या करता है, वो आता है और वो अपना हाथ ऊपर करके ना निशान दिखाता है, वो कहता है कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, देखो ये मेरे जो निशान है ये भगवान ने मेरे पे दिया है, और अगर कोई मेरे साथ मेरे लड़ाई में जाएगा तो कभी हार नहीं सकता।
इसलिए वो एक मोटिवेशन दे देता है. मोटिवेशन तो दे दी अब, इसके बाद इकोनॉमिक मोटिवेशन क्या. वो क्या करता था कि जहाँ पर भी लड़ाई लड़ने जाता था उसके बाद जो भी वहाँ से कलेक्शन होती थी या जो मर्जी अपनी आर्मी को खुला हैंड दे देता था, फ्री हैंड की, जहाँ पर जो मर्जी दंगे करो, जो मर्जी लूटपाट करो, जो मर्जी उठाना उठाओ. तो क्या आर्मी को भी होता था कि हम और जगहों पे जाएं, हम और कंट्रीज को कॉन्कर करें, हम वहाँ से और सामान लेके आए, पैसे वगैरह लेके आए. तो ऐसे उसने वो क्या करता कि आर्मी को अपनी साइड कर लेता है. अब डायरेक्टरी जो होती है वो देखती है कि यार ये तो नेपोलियन बड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कल को ये हम ही ना ओवर पार कर दे जैसे पहले जैकोबियंस ने करा था. तो वो नेपोलियन को बोलते हैं, अभी ये हम वो बात कर रहे हैं कि 1789 से पहले की बात कर रहे हैं, अभी ही इज़ नॉट द किंग, ही इज़ नॉट द प्रेजिडेंट नेपोलियन, ये नेपोलियन का राइज है बेसिकली. तो डायरेक्टरी कहती है तू ऐसा कर, इंग्लैंड जा, और इंग्लैंड मतलब कि अब तूने ऑस्ट्रिया तो जीत लिया हमारे लिए, नाउ यू गो एंड विन इंग्लैंड फॉर अस. अब नेपोलियन को पता होता है कि अगर इन्होंने मेरे को इंग्लैंड में भेज दिया, पहली बात तो मैं हारूंगा, दूसरी बात कि जो मेरा आगे वाला जो एम है, जो मेरा एम्बिशन है टू रूल फ्रांस, वो ख़त्म हो जाएगा. वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा इजिप्ट, इजिप्ट में पहले मैं जाके रूल करूँगा, उनको कॉन्कर करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा इंडिया, जो उनकी सबसे दुखती मतलब कि अगर किसी आपने अपने दुश्मन को हराना है तो क्या करोगे, उसकी सबसे दुखती नब्ज़ फड़ोगे और उसको उस पर आप अटैक करोगे, और उस पर अटैक करोगे तो वो जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो निकल जाएगा. वो कहता है मैं पहले जाऊँगा इजिप्ट, इजिप्ट में मैं अच्छा अपना बेस बनाऊँगा, वहाँ से मैं सिल्क रूट, जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उसको कब्जे में लूँगा, उसको कब्जे में लेने के बाद मैं इंडिया जाऊँगा, इंडिया के बाद मैं करूँगा अटैक इंग्लैंड पे. वो कहते हैं ठीक है तू बाहर निकल बस, क्योंकि अगर तू फ्रांस में रहेगा यू आर इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का मतलब कि जो तेरी पॉपुलैरिटी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जानी है कि हमें हमारा रोल ही नहीं मिलना. तो वो कहते हैं ठीक है तू चल जा. वो इजिप्ट जाता है, पहले तो वो जीत लेता है, बट बाय 1789 में वो जीत लेता है, बट 1798 में वो हार हूर के इजिप्ट में से वापस आ जाता है, फ्रांस में वापस आ जाता है. अब 1789 में वो वापस आ जाता है, 98 में वो वापस आ जाता है, और वो यहाँ पे आके देखते हैं कि फिर से वही दिक्कत आ रही है कि डायरेक्टरी अपने हिसाब से चल रही है, लोग अभी भी परेशान है, सब कुछ हो रहा है. तो वो क्या करता है, वो कहता है कि यार अब जो है आई विल डू द मिलिट्री कूप. वो सारी आर्मी को, आर्मी कमांडर तो है ही है, आर्मी को लेता है, वहाँ जाता है, पार्लियामेंट को, डायरेक्टरी को, सबको हटाता है और बोलता है कि आज से मैं आपका किंग हूँ, आज से मैं आपका प्रेसिडेंट हूँ. उसके बाद फ्रांस की 1800 में वो दोबारा से ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़ता है. अब वो कहता है कि सिर्फ मुझे कुछ कुछ एरिया नहीं चाहिए, अब मेरे को ऑस्ट्रिया का सारा एम्पायर ही चाहिए. ठीक है, वो लड़ता है, एंड दैट बैटल इज़ कॉल्ड बैटल ऑफ मैरेंगो. ठीक है, अब पूरे यूरोप में उसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है कि जहाँ भी जाता है यार ये तो कब्जा वगैरह कर लेता है. तो सारे यूरोप के भी कंट्रीज़ और प्लस फ्रांस भी कहते हैं कि अब बहुत लड़ाई होगी, अब मेरे को लैंड भी मिल गया, रिसोर्स भी मिल गया, मेरा ट्रेड भी हो रहा है अच्छा खासा, एंड अब जो है मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट पावर हूँ. तो वो क्या कहता है, सारे जो कंट्रीज़ होते हैं मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ उनके साथ पीस ट्रीटी कर लेता है. जैसे ट्रीटी ऑफ एमन्स फ्रांस करता है यूके के साथ, लियोनवेल वो करता है फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ भी करता है. वो कहता है कि ठीक है आज से दुश्मनी ख़त्म, एंड ट्रीटी ऑफ टेलसिट विद रशिया. अब वो लाता है रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म्स लाता है, सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. वो कहता है अच्छे दिन, नेपोलियन भी कहता है अच्छे दिन आएंगे, अब सारी हमारी सुलह होगी सारे देशों से, सब कुछ हो गया, नाउ ही टॉक्स अबाउट द गुड डेज अहेड. एंड वो कहता है कि मैं आपको दूंगा स्किल, स्किल से आप बनोगे स्किलफुल, स्किलफुल से आप बनोगे एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर से आप कराओगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और हमारा जो फ्रांस है वो नंबर वन हो जाएगा. उसके बाद जो एग्रीकल्चर होता है, जो अनकल्टिवेटेड लैंड होती है उसको भी वो कहते हैं कि इसको उपजाऊ बनाओ, अच्छी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज लेके आता है, और पब्लिक वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे सारे काम करके वो एक, वो कहता है कि एक मैं प्रॉस्परस नेशन बनाऊंगा. अब पॉलिटिकली वो क्या चाहता है, वो चाहता है वो प्लेबिसाइट करा देता है फ्रांस में. प्लेबिसाइट क्या मतलब होता है, पब्लिक से पूछता है कि आपको चाहिए क्या, कि आपका राजा कौन हो. और ऑब्वियसली जो एक ऑलरेडी राजा है उसके पास पावर्स बहुत है. वो क्या करता है, बाय हुक और बाय क्रूक वो सारी जो प्लेबिसाइट्स की वोट है वो अपनी फेवर में डाल देता है, और वो लोगों के सामने आके कहता है कि ये देखो जी आपने खुद नहीं बोला कि आई शुड बी द एम्परर ऑफ फ्रांस, तो इसलिए जो उसका सबसे शुरू से एम था कि आई शुड रूल द फ्रांस, तो वो यहाँ पे वो पूरा कर लेता है आफ्टर द मिलिट्री कूप. एंड उसके बाद वो फोर हाउसेस इंट्रोड्यूस कर देता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ट्रिब्यूनल, सेनेट और लेजिस्लेटिव असेंबली. सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होगी अब यहाँ पे.
उसके बाद वोटिंग जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का होगा, जो लोग इसमें होंगे मेंबर्स होंगे वही आगे मतलब कि वोट करेंगे, ठीक है। एंड लेटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी, लेटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी का मतलब कि नेपोलियन का कोई दोस्त है और उसको लगता है कि यार इसको इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी आती है, वो कहता है कि आ जा भाई तू मेरा फाइनेंस मिनिस्टर बन जा। एक को लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े अच्छे समझता है, वो कहता है आ जा तू मेरा फॉरेन मिनिस्टर बन जा। तो लेटरल एंट्री का कंसेप्ट ये ब्यूरोक्रेसी में लेके आता है। अब एजुकेशन में भी बहुत ज़रूरी है, अगर किसी भी सोसाइटी को हमने डिवेलप करना है अगर उसमें एजुकेशन नहीं है तो कैसे डिवेलप हो सकती है। तो इसलिए वो कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट लेके आता है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल लेके आता है और वीमेन फॉर द फर्स्ट टाइम आर ऑल्सो अलाउड कि उनको भी एजुकेशन मिले। बट ये सारी एजुकेशन में वो क्या करता है कि अभी भी है तो वो डिक्टेटर ही एक तरह से है, तो मतलब कि लोगों से प्लेबिसाइट उसने करा लिया लोगों से चाहे, बट वो प्लेबिसाइट की ऑथेंटिसिटी तो कुछ है नहीं है। तो वो क्या करता है पढ़ाई में अपना नेपोलियनिक कोड डाल देता है कि नेपोलियन की पूजा करो, नेपोलियन के बारे में पढ़ो, और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली विल फॉलो हिम, और जो वो बोलेगा वो सच होगा, जो वो नहीं बोलेगा वो झूठ होगा। सो दिस वे कल्चर को उसने इम्पैक्ट करा एंड साइड बाई साइड उसने एजुकेशन की भी बात करता है। और लीगली ही स्टार्टेड कोडिफाइंग लॉज ऑन सेकुलर लाइन्स। उसने क्या करा, जो आज तक कोड जो लॉज थे वो बाइबल में या किसी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखे होते थे, अब वो कहता है कि इनको लिखो, जैसे IPC CRPC होती है आज की डेट में हमारी, तो उसने नेपोलियनिक कोड वो बनाया कि इसके हिसाब से अगर कोई सिविल इशू होगा तो ऐसे डील करा जाएगा, कोई क्रिमिनल इशू होगा तो ऐसे डील होगा। सो ही सेड दैट ही दैट पीपल विल नॉट रिमेंबर हिम फॉर हिज 40 बैटल्स बट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लीगल सिस्टम। इन ऑल नेपोलियन फॉट 40 बैटल्स। बट अभी भी बात क्या है कि ओवरनाइट ही सारा कुछ चेंज हो रहा है। जो 1789 में तो अभी एग्जीक्यूशन ऑफ किंग करा है इन्होंने, और सॉरी फॉल ऑफ बेस्टील हुआ है अभी जब इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा था, और 1799 तक आते आते इतना सारा चेंज हो गया। अब कोई भी चेंज फोर्स्ड है कि ग्रेजुअल है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लोग तो अभी भी खुश नहीं है, लोग नहीं खुश तो इसके लिए क्या करेंगे, लोगों को काम लगाएंगे, कुछ और बताएंगे, वो बोलेंगे नहीं जी अभी हम अभी भी खुश नहीं हैं, अभी भी हमें ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन फेस करनी पड़ती है, सब कुछ करने में। और नेपोलियन कहते हैं आ जाओ जी मैं बताता हूँ, हम ऐसा करते हैं हम स्पेन पे अटैक कर देते हैं, हम उसके बाद रशिया पे अटैक करेंगे, हम अपना फ्रांस इतना बड़ा मतलब पेट्रियाटिज़म भर देता है। वो बोलते हैं कि छोड़ो पैसा पूछा, हम तो अपना देश पहले बनाए, पेट्रियाटिज़म है दे। राजे ने क्या करना है, मैं जनता को पीछे लगाना। उसने क्या करा, बोला कि आ जाओ जी हम लड़ाई लड़ेंगे, आप सारे आर्मी में आओ, वहाँ पे जाके हम विल कलेक्ट द वेल्थ, और उसके बाद हम एक और ज़्यादा प्रॉस्परस एक नेशन बनाएंगे। तो वॉर विद स्पेन वो कर लेता है। स्पेन बेसिकली नेपोलियन के अगेंस्ट होता है क्योंकि उसको ये लगता है कि जैसे जर्मन वाली साइड पे वो निकला तो कल को वो स्पेन वाली साइड पर आ गया तो उसको तो बहाना चाहिए होता है इस टाइम पर नेपोलियन को, प्लस लोग भी अनरेस्ट में है तो कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। वो क्या कहता है, आ जाओ लेट्स फाइट अ वॉर विद स्पेन। वो कहते हैं ठीक है जी चलो, सारे लोग वहाँ पे चले गए, जो उसका इश्यूज वगैरह थे लोगों के इश्यूज थे वो सारे बैठ गए ठंडे हो गए। और स्पेन में जब जाता है वहाँ के ऑब्वियसली नेपोलियन उस टाइम तक इतना स्ट्रांग हो गया, वो अपने ही भाई को वहाँ जाके किंग बना देता है जोसेफ को। और जोसेफ जब वहाँ पे एग्रीकल्चर या लैंड पॉलिसीज बनाता है तो वहाँ के जो ट्रेडर है, वहाँ का जो ज़मींदार है, वो परेशान हो जाता है और वो जोसेफ के अगेंस्ट कर देता है रिवोल्ट। अब जोसेफ के अगेंस्ट रिवोल्ट करना दैट मीन्स नेपोलियन के अगेंस्ट रिवोल्ट करना, और नेपोलियन पहुंच जाता है वहां पर सबको सेटल डाउन करने में, नेपोलियन सबको हरा देता है। बट अब दिक्कत क्या आ जाती है, आगे अगर किसी भी कंट्री पे नेपोलियन अटैक करता था तो द लूजिंग पार्टी हैज़ टू पे फॉर द डैमेजेस। तो ऐसे क्या होता था, फ्रांस का कोई अपना खर्चा नहीं होता था, लड़ाई लड़ी ठीक है, लोग कहते थे कि हमारा 1000 रुपया खर्चा हो गया खर्चा हो गया खर्चा हो गया, नेपोलियन कहता था ये लो 10,000 में हारने वाली पार्टी से ले आया, लोग खुश हो जाते थे बस इसी में। बट स्पेन में क्या हुआ कि जोसेफ तो उसका खुद का भाई है, अब वहाँ पर जो खर्चा हुआ ठीक है, रिसोर्स लगा जो, और मतलब कि सारा टाइम की यूटिलाइजेशन हुई वहाँ पर, अब कौन देगा पार्टी, कौन पैसे देगा, जोसेफ अगर पैसे देगा तो दैट मीन्स इन अ वे फ्रांस ही दे रहा है। और इससे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ के दिमाग में क्या चले गया कि अब नेपोलियन को ये बात नहीं कर रहा कि जो मेरे हक हैं, नाउ ही इज़ ऑन कॉलोनाइजेशन, कि अब उसने भी वही गेम शुरू कर दी। और इससे क्या होता है, सारे यूरोपियन नेशंस जो होते हैं वो कहते हैं कि आज इसने स्पेन पे करा,
कल कोई इटली में आ जाएगा, कल कोई इंग्लैंड पहुंचेगा, तो सारे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, यूरोपियन नेशंस। अब नेक्स्ट जो उसका टारगेट होता है, किसी भी देश का टारगेट था उस टाइम पे कि ब्रिटेन को किसी ना किसी तरीके अगर हम अपनी कॉलोनी बना लें तो आई विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक लड़ाई लड़ता है ऑन द स्पेन बॉर्डर्स विद अमेरिका, जहाँ पे वो हार जाता है। अब नेपोलियन दिमाग लगाता है कि यार इनके साथ मैं ऐसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे कितना टाइम पहले आया हुआ है और कितनी डेवलपमेंट हुई पड़ी है, ट्रेड उसका इतना, इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्परस है। तो नेपोलियन सोचता है कि मैं कैसे करूँ इनके साथ डील, भी इनको अगर हराना है तो। वो क्या कहते हैं उस टाइम पर, क्या कहते थे कि इंग्लैंड इज अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। अब अगर मर्चेंट का एक नेशन है तो उसको कैसे अटैक कर सकते हो आप उसके ट्रेड में? अगर वहाँ एक दुकान को हमने डेड करना है तो क्या करें, वहाँ से जाके सामान ना लो, उसका सामान पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा और एट दी एंड वो कहेगा यार फ्री में ले लो आप मेरे से। वो बोले, हम बोलेंगे कि सामान नहीं चाहिए, अब तो मेरे को तेरी दुकान भी चाहिए। वो बोलेगा ठीक है मेरे को 100 रुपये दे दो और मैं निकलूँ यहाँ से। ठीक है, तो नेपोलियन ने भी ये सोचा, नेपोलियन ने ये सोच में निकाली कॉन्टिनेंटल थ्योरी। कॉन्टिनेंटल थ्योरी उसने बोला कि हम सारे यूरोपियन लैंड बेस्ड जो हैं नेशंस, हम सारे इकट्ठे होएंगे और आज के बाद ब्रिटेन के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा। ठीक है, और अब फ्रांस, इटली, जर्मनी, प्रूशिया, रशिया, ये सभी इकट्ठे हो गए। वो कहते हैं कि हाँ भाई बात तो ठीक है कि यही हमारे पास चांस है कि अगर हम सारे यूरोपियन नेशंस इकट्ठे हो जाएं, और आज की डेट में भी यूरोपियन जो काउंसिल है वो यही चीज़ है कि भाई हम इकट्ठे हो जाएं बस। ठीक है ना, तो हम इकट्ठे होके वी विल बायकॉट ब्रिटेन इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट, उसका हम ट्रेड ख़त्म कर देंगे और धीरे धीरे उसका नेशन ही ख़त्म कर देंगे। बट अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करें, क्या वो पॉसिबल है रन करना कुछ टाइम के लिए? ठीक है, हो सकता है, बट ओवर द टाइम क्या पॉसिबल है कि एक या ग्रुप ऑफ कंट्रीज ही रॉ मटेरियल भी बनाए, लेबर भी दे, उसकी ट्रेडिंग भी करें, उसकी पैकेजिंग भी करें और उसकी कंजम्पशन भी करें? ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो पूरे वर्ल्ड में जब तक चीज़ नहीं जाती तब तक, मतलब कि जो उसकी डिमांड एंड प्रोडक्शन है वो फुलफिल नहीं होएगी। सो कुछ टाइम तक तो ये ठीक रहा, प्लस फ्रांस का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट था। फ्रांस बिकॉज इस टाइम तक सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियली जो अगर हम देखें डिवेलप्ड नेशन था वो फ्रांस था। फ्रांस को था कि अगर ब्रिटेन का ऑप्शन नहीं रहेगा लोगों के पास तो कहाँ पर आएंगे, मेरे पास आएंगे और इससे मेरी प्रोस्पेरिटी भी होएगी। तो इसलिए उसने बनाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल थ्योरी बनाई। बट कॉन्टिनेंटल थ्योरी डिड मोर हार्म देन गुड। जो फ्रांस ने सोचा था कि भाई ये तो मेरे हक में जाएगी सारी गेम, ये तो उसके उल्टी पड़ गई, रादर सारे यूरोपियन नेशंस के उल्टी पड़ गई कि वो अब ट्रेड को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, कि ट्रेड अगर सस्टेन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस थी। इंडस्ट्रियली देवर नॉट दैट डिवेलप्ड, साइंटिफिकली देवर नॉट डिवेलप्ड, इकोनॉमिकली देवर नॉट डिवेलप्ड एज ब्रिटेन। और इन रिटेलिएशन फ्रांस, ब्रिटेन कहता है कि ठीक है अगर तुम मेरी शिप्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे मेरी शिप्स के थ्रू, तो मैं कोई भी यूरोपियन नेशन से भी अगर मेरी तरफ कोई शिप आएगी फॉर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तो मैं वो भी नहीं करूँगा। तो दोनों साइड से रिटेलिएशन होगी। कुछ टाइम तक तो अच्छा चलता रहा, बट ओवर द टाइम क्या हुआ, रशिया कहता कि बस अब मैं नहीं आइसोलेशन से फॉलो कर सकता, और ज़ार अलेक्जेंडर वन जो उस टाइम पे रूलर होता है रशिया का, वो कहता कि आई एम गोइंग टू रिज्यूम माई ट्रेड विद ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के साथ रशिया जो है बड़ा ही एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि अगर ब्रिटेन को काउंटर करना है कल को तो रशिया की सपोर्ट अगर फ्रांस के पास नहीं है, और आज की डेट में भी अगर हम देखें तो इट इज़ ओनली USA एंड रशिया। तो तब भी यही था कि रशिया अगर मेरे साथ नहीं होगा तो मैं ब्रिटेन के साथ नहीं लड़ पाऊँगा। और ऐसे टाइम पे आ गया रशिया इसको धोखा दे जाता है, वो कहता है कि नहीं आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो इसको बचाने के लिए वो क्या कहता है कि ठीक है आई विल हैव अ मैट्रिमोनियल अलायंस विद यू। बट ज़ार अलेक्जेंडर वन जो होता है वो अपनी बेटी का कहता है कि नहीं, माई डॉटर इज 6'2" इन हाइट एंड यू आर 5'4" कि भाई तू तो मेरी बेटी से भी हाइट में छोटा है, तो इसलिए मैट्रिमोनियल अलायंस को वो कर देता है रिजेक्ट। हाँ जी, वो रिजेक्ट कर देता है उसके मैट्रिमोनियल अलायंस को। ठीक है ना, अब मैट्रिमोनियल अलायंस को वो ले जाते हैं ईगो पे कि मेरी छोटी हाइट होने के करके तूने मना कर दिया। बट रीज़न वॉज कि भाई वो ब्रिटेन के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, और ज़ार को पता है कि अगर मैंने इसका मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया तो मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, जवाई बन गया ना देश का एक, तो जवाई की बात तो कोई मोड़ नहीं सकता। सो दिस वे वो कहता है रशिया, वो कहता है कि ठीक है अब मैं ये ऐसा कहता हूँ, फ्रेंच अपायर इधर है, वो क्या कहता है ऑस्ट्रिया जो उसका पुराना दुश्मन होता है उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना लेता है,
और ये वाला सारा एरिया यानी कि नेपोलियन का इन्फ्लुएंस हो गया अब उसमें, और अब वो कहता है कि मैं रशिया के साथ लड़ाई लड़ूंगा। अब रशिया इतना बड़ा, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे है, सर्बिया हमने ढूंढा था यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला सारा इतना बड़ा मॉस्को यहाँ पर है, ठीक है। अब क्या कहता है, नेपोलियन अपनी आर्मी लेके चलता है यहाँ से, ठीक है, कितनी की आर्मी लेके चले उस टाइम पर, ये तो है नहीं कि बाय एयर चले जाएंगे, बाय फुट चले जाएंगे, या ज़्यादा छोटे मोटे कोई बेसिक लोकोमोटिव्स हो जाएंगे, ठीक है। वो जाता है मॉस्को में, मॉस्को में वो अपनी पूरी आर्मी, पूरी स्ट्रेंथ वगैरह ले जाता है, पूरे देश को ही ले जाता है, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों को फिर से उसने एक एक्शन दे दिया कि ठीक है जी, हमने पहले स्पेन को स्पेन से लड़ाई करी थी, अब हम करनी है रशिया से। वो कहते चलो जी ठीक है आ जाओ, सबको काम लगा के रखा उसने, अब काम लगा दिया कि हमने रशिया पे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उसने आपके किंग की बेइज्जती करी है, क्योंकि मतलब कि जो मैट्रिमोनियल अलायंस भेजा था हमने उसने रिजेक्ट कर दिया। अब मॉस्को जाके बैठ जाता है, लड़ाई कोई होती नहीं है, रशियन जो रशिया का ज़ार होता है वो भी कोई लड़ाई नहीं लड़ता इसमें, बस वो उसको भगाता रहता है। पहले वो बोलता है कि आजा मॉस्को लड़ते हैं, वो मॉस्को पहुंच जाता है सारी अपनी फोर्स लेके, उसके बाद कहता है नहीं 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 हम सेंट पीटर्सबर्ग में लड़ेंगे। वो कहता है ठीक है, वो सेंट पीटर्सबर्ग में ले जाता है, उसके बाद कहता है नहीं सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं, हम तो यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, वो यहाँ पर ले आता है। इसमें क्या होता है, उसकी आर्मी फटीग मान जाती है ना खाने के लिए, इतना तो पैसा है नहीं अब फ्रांस के पास में कि वो इतनी देर के लिए सस्टेन कर पाएगा। तो क्या होता है कि वो कहता है कि अब ख़त्म कर दो बात, अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं सर्बिया में, मतलब कि ऐसे करते करते वो फ्रांस को सर्बिया तक ले जाता है, एंड सर्बिया प्रूव्स टू बी द ग्रेवयार्ड ऑफ नेपोलियन, क्योंकि वहाँ पे जाके उसकी आर्मी हाथ खड़े कर देती है कि हमें पूरे कॉन्टिनेंट का तूने चक्कर कटा दिया, और ना कोई लड़ाई ना कुछ और, तो अब नहीं हमने लड़ना, अब हम वापस चलते हैं। अब जब यूरोपियन नेशंस को, यूरोप को एंड इन पर्टिकुलर इंग्लैंड, ओ रशिया को एंड इन पर्टिकुलर इंग्लैंड को पता लग गया, और स्पेन को पता लग गया कि इस टाइम पर जो है ये जो शेर है बूढ़ा हो गया, तो उसको अटैक कर दो, वो सर्बिया में उस पर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ लिप्सिक, बैटल ऑफ लिप्सिक यहाँ पे उसको दे डिफीट नेपोलियन। नेपोलियन को यहाँ पे करने के बाद ही इज टेकन एज अ रॉयल प्रिजनर टू सेंट एल्बा। सेंट एल्बा एक आइलैंड है नियर इटली, ठीक है, तो वहाँ पे लेके जाते हैं उसको, रॉयल प्रिजनर की तरह रखते हैं कि भाई अब तू हार चुका है। अब वो थोड़े टाइम के बाद सोचते हैं कि चलो किंग है क्या करना, इस टाइम पे प्रेसिडेंट है किसी नेशन का ये, इसको हम वापस भेज देते हैं। वो क्या कहते हैं, फ्रांस उसको वापस भेज देते हैं। अब जब फ्रांस वापस भेजते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो जाती है कि सबको लगता है कि ये रिकनसाइल कर रहे हैं अपना सारा जो अपना इसकी आर्मी है, जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसको दोबारा से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट एक्चुअल में क्या होता है, नेपोलियन कहता है कि अब मैं सबसे मांगूंगा माफ़ी। अब यूरोपियन नेशंस को विश्वास तो रहा नहीं कि बस उन्हें माफ़ी मांग के कोई हमारे से धोखा दोबारा से कर गया, तो इसलिए वो दोबारा से लड़ते हैं बैटल ऑफ वाटरलू इन 1814, एंड हेयर ही इज़ फाइनली डिफीटेड, और नेपोलियन का चैप्टर हो जाता है ख़त्म। अब कोई भी लड़ाई हुई जो उसमें पार्टिसिपेंट्स थे, जो जीते वो कहेंगे हमारा क्या फ़ायदा है इसमें, ठीक है। तो फायदे का मतलब क्या होता है, कांग्रेस ऑफ वियना, ये कॉन्सर्ट ऑफ वियना होता है, कॉन्सर्ट ऑफ वियना भी कहते हैं इसको। तो 1814 से लेकर 1815 तक ये बेसिकली चला, एंड इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आगे की यूरोपियन हिस्ट्री में, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाली चीज़ें सब खत्म, रिपब्लिक वाली चीज़ें सारी खत्म। अब यूरोपियन नेशंस क्या कहती हैं, सबसे पहले स्टार्ट ही क्यों हुआ था कि जो यहाँ पे रेवोल्यूशन आ रहा है कि किंग को हटा रहे हैं ये लोग, ये ना हटे तो क्या कहते हैं, बर्बन डायनेस्टी जो पहले रूल कर रही होती है उसको वापस दोबारा लेके लाके वहाँ पे किंग खड़ा कर देते हैं। उसके बाद फ्रांस की जो बाउंड्रीज हैं उसको लिमिट कर देते हैं, जो इतनी एक्सपेंशन करी होती है, जो भी उसने करा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिया से, स्पेन से, इटली से, जो जो उसने एरियाज लिए होते हैं वो सबको वापस कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बट जो एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बना के आता है नेपोलियन उधर अपनी, राइन जो फ्रंटियर उसने कैंपोफोर्निया में ली थी उसने, इसको नहीं छेड़ते यहाँ पर। वो कहते हैं कि जर्मनी में तो रख ही गया है, इसको एज इट इज़ पड़े रहने दो, तो इसको नहीं छेड़ते वो। अब सारी चीज़ें होगी, कॉन्सर्ट मतलब कि बर्बन डायनेस्टी आ गई, किंग को दोबारा प्लेस कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब कॉन्सर्ट ऑफ अमेरिका, कॉन्सर्ट ऑफ वियना के बाद क्या होता है कि यूरोपियन नेशंस कहते हैं कि यार बहुत अब लड़ाई झगड़ा हो गया, अब शांति से बैठो और अब और कुछ नहीं करना। बट ऑस्ट्रिया अभी भी शोर मचा रहा है, वो कह रहा है कि अभी भी संभाल लो, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से रेवोल्यूशन आएगा और दोबारा से हमारे लिए यही दिक्कत, दोबारा साइकिल चलेगा और नहीं हो पाएगा। इस टाइम पे ब्रिटेन कह देता है कि आज से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ मेरा काटा, कि ना मैंने तुम्हारे साथ कोई लेन देन करना है, ना कोई और बात है, मैं चुप करके अपने घर में बैठा हूँ, मैं वहीं पे बैठा रहूँगा। इसलिए इट फॉलोज अ कॉन्टिनेंटल आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करता है,
ठीक है, जो वर्ल्ड वॉर वन में जाके वो थोड़ा सा उसको चेंज करेगा। रशिया ने भी यही बोला, ऑस्ट्रिया ने भी उसको यही बोला कि भाई हमें जो है अभी भी इसको रोकना चाहिए, बट वियना कहता कि नहीं अब नहीं, अब जितना होना था हमने एफर्ट करना रहा, जितना हमने इसका रेवोल्यूशन को ठंडा करना रहा, किंगडम बनाना बना दिया, अब तुम अपने आप देखो यहाँ पे क्या करना। बर्बन रेस्टोरेशन आ जाती है, लुई 16 का भाई वापस आ जाता है, और अब जब वो आता है थोड़ा सा चेंज्ड मैन होता है, ठीक है, वो कहता है कि इगैलिटेरियन सोसाइटी होएगी, जो लोग कहेंगे वो होएगा, पार्लियामेंट के हिसाब से सिस्टम चलेगा सारा, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, ठीक है, सब नो डाउट अच्छा चल रहा है। बट लुईस 18 के बाद आ जाते हैं चार्ल्स टेन ने तो देखा नहीं होता पुराना टाइम की रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। वो दोबारा से आता है और कहता है कि मैं ही देखूंगा आपसे, पार्लियामेंट मेरी, ठीक है, उसके बाद जो कैथोलिज्म है उसको रिवाइव कर देता है, प्रोटेस्टेंट्स को ख़त्म कर देता है। इसके रिस्पॉन्स में लोग क्या करते हैं, फिर से रेवोल्यूशन कर देते हैं 1830 का रेवोल्यूशन करा, यानी कि जो किंग था वो दोबारा से हटा दिया और लुईस फिलिप डी ऑरलियंस इसको बना देते हैं वो वहाँ का रिपब्लिकन हेड, यानी कि अब फ्रांस में बन गई दूसरी बार रिपब्लिक। एक बार पहले जब उन्होंने एग्जीक्यूशन कर दिया किंग का पहले, तब रिपब्लिक बना, और अब दोबारा से आफ्टर 1830 जुलाई रेवोल्यूशन दोबारा से रिपब्लिक बन गया। अब मोनार्की जो है वो ख़त्म होगी, अब जो नया लुईस फिलिप आया वो किंग ऑफ फ्रांस की जगह किंग ऑफ फ्रेंच का मतलब कि बन के रहा। उन्होंने वो कहता है कि जो लोग कहते हैं करने दो, अगर लोग कहते हैं कि यहाँ से सड़क निकालनी है तो निकाल दो, अगर लोग कहते हैं यहाँ पे स्कूल खोलना है तो खोल दो, लेकिन जो लोग कह रहे हैं पॉलिसीज उनके हिसाब से चल दो, तो इस हिसाब से चलेंगे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ कि जब उसने कैथोलिज्म को अटैक करना शुरू करा, कि जो डोनेशंस वाला चीज़ होता है, जब उसने रिलीजन को बेसिकली बोला ना कि आप भी लिबरल हो, बट जब रिलीजन को उसने करा चैलेंज, तो 90% हमें पता है कि फ्रांस में उस टाइम पे कैथोलिक्स थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने दोबारा से क्या करा, उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया एंड दे प्रोक्लेम्ड द सेकेंड रिपब्लिक आफ्टर द एंड ऑफ जुलाई मोनार्की। अब सेकेंड फ्रेंच रिपब्लिक में क्या हुआ, ऑरलियंस मोनार्की जो थी, जो जब आई सेकेंड रिपब्लिक हमारा बन गया, इसके बाद जो नया किंग बना लुईस, अब ये फिलिप्स भी, सॉरी फिलिप्स की बात ही कर रहे हैं हम, फिलिप्स ऑरिवेलन की, कि इसने जब रिलीजन पे चर्च करा, लोगों ने फिर रेवोल्यूशन कर दिया। अब उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें पार्लियामेंट नहीं, हमें दोबारा से किंग ही चाहिए, किंग चाहिए या प्रेसिडेंट कोई और चाहिए। तो क्या होता है, लुईस नेपोलियन बोनापार्ट जो नेपोलियन 3 के नाम से बाद में फेमस होगा, तो वो आता है और वो ही इज इलेक्टेड एज 1848 में वो प्रेसिडेंट बन जाता है, और वो दोबारा से अच्छे मतलब कि रिकन्स्ट्रक्शन के काम करने लग जाता है, नेशन बिल्डिंग के काम करने लग जाता है, ठीक है, सब कुछ कर लेता है। बट 1851 में क्या होता है, वो दोबारा से ही कंटेस्ट, वो कहता है कि मैं दोबारा से इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनना, बट कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम का जो है वो अलाउ नहीं करता, तो वो क्या करता है, मिलिट्री कूप, वो कहता है कि नहीं अगर ऐसे नहीं तो वैसे सही, तो वो भी दोबारा से मिलिट्री कूप करके नेपोलियन 3 अपने आप को डिक्लेयर्स हिमसेल्फ टू बी द एम्परर ऑफ फ्रांस फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। अब कर लिया, लोगों ने मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, सब कुछ काम भी ठीक ठाक करा रहा है, लोगों से खुश भी है, बट धीरे धीरे क्या हुआ, वो कहता है मेरे नाम में नेपोलियन है, नेपोलियन अगर अकेला फ्रांस को संभालेगा, वहाँ पर ही काम करता रहेगा, अगर नेपोलियन ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड ही ना करा तो क्या फ़ायदा मेरा नेपोलियन कहलाने का। तो वो क्या करता है, वो नेपोलियनिक वॉर्स दोबारा स्टार्ट कर देता है सारे कंट्रीज़ के साथ, और ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, वो अकेला जाता है, ना कोई दोस्त लेता है, ना कोई किसी की सपोर्ट लेता है, ना डिप्लोमेसी खेलता है, वो चुप करके लड़ाइयों में चल जाता है। एंड इन फाइनली इन बैटल ऑफ सिदान जुलाई 1870 में ही इज़ डिफीटेड एंड ही गोज ऑन एग्जाइल। अब किंग जो है वो दोबारा चले गया, एंड नाउ फॉर द थर्ड टाइम 1873 में उसकी डेथ के बाद फ्रांस इज डिक्लेयर टू बी द रिपब्लिक फॉर द थर्ड टाइम, एंड दिस थिंग कंटिन्यूज फॉर मतलब कि जब तक ये अपना वर्ल्ड रेवोल्यूशन वाला वर्ल्ड वॉर्स वाला सीन नहीं आएगा, तो तब तक फ्रांस कंटिन्यूज टू बी अ रिपब्लिक। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, स्टोरी सारी ख़त्म होगी। अब किसी ने ये तो पूछना नहीं कि नेपोलियन पहले 1 आया कि 3 आया, कि पहले कौन राजा बना, या फिर जैकोबियंस का जो लीडर था उसका नाम क्या था, स्टोरी में से निकालना क्या, निचोड़ क्या निकालना है हमने। एक उसने एक ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर की बात करी थी हमने, पुराना ऑर्डर ख़त्म कर दिया, नया ऑर्डर ले आया। अब नए ऑर्डर में क्या लेके आया,
individual aspirations. And national happiness. French Revolution की output जो थी ना वो ये थी कि individual की aspirations और national happiness की हमने बात करनी है, ठीक है? Progressive ideas, liberal ideas हो गए, hierarchical society जो three stage society थी वो सभी खत्म होगी, Catholic Church जो था वो एक अब pure form में वापस आ गया. Rights of a man, enlightenment से जो basically draw करे थे उनके बारे में बात होने लगी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ह्यूमनिज्म आ गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होगी, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जिस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो इस्टेब्लिश हो गए. उसके बाद ओल्ड रजीम में जो फॉरेन पॉलिसी थी वो सिर्फ किंग का पार्ट होता था, बट अब जो है वो एक कलेक्टिव एफर्ट हो गया, कलेक्टिव बारगेनिंग वाली चीज़ आ गई. सो ऑल इन ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कला फ्रांस को नहीं बट पूरे यूरोप को इफेक्ट करता है, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें कि उसने फ्रीडम स्ट्रगल्स को बाकी नेशंस में फास्ट करा, ठीक है मान ली बात, बट एट द एंड ऑफ द डे बात वही थी कि वो एक अलग कॉन्टिनेंट है. यूरोप में जो चीज़ सबसे पहले हुई ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जब सबको नशा हो रहा है कि अब मैंने भी इंडस्ट्री मतलब कि डेवलप होना, उसके बाद का जो सबसे पहला ये मदर एंड फादर के से जो सबसे पहला बच्चा होता है उसको ये दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन. So this is for the day. ठीक है? Questions?